आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 18, बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज है 18.2। यहां पर है आपको 11वां टर्म निकालना है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड 11th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 25। तो इसमें कैसे करेंगे, हमको जैसे अगर आपको, क्योंकि यहां माइनस है तो टी आर प्लस वन टर्म क्या होगा, हम अगर टी आर प्लस वन टर्म लेते हैं या टी आर एथ टर्म कहते हैं इसको, तो ये होगा माइनस वन की पावर आर, बाकी ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो एन सी आर एक्स की पावर यानी कि 2x की पावर एन माइनस आर, हमें अभी जो एन है वो अभी मैं आपको बताता हूं, पहले हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, एन सी आर एक्स की पावर आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, अब मैं इसमें वैल्यूज रखूंगा। हमको चाहिए 10, 11वीं वैल्यू, शुरुआत से जब शुरुआत से करेंगे तो 11वीं वैल्यू चाहिए, इसका मतलब T11 चाहिए, लेकिन हम T11 नहीं लिखते हैं, आपको मैंने आपको जो पहले बताया था डिस्कशन में, इसमें हम इसको T10 प्लस 1 लिखते हैं। अब ये सवाल जो है या फिर ये एक्सप्रेशन तब बनेगा जब आप ये लेंगे, तो ये आर होगा, इस वन को भूल जाएंगे, ये आर होगा, तो माइनस वन की पावर आर कितना हो, माइनस वन की पावर 10 हो गया ये, फिर आपका एनसीआर, एनसीआर क्या है, एन क्या है इसमें, यहां देखिए एन कितना है 25, तो 25 सी आर कितना है 10, तो यहां लिख देता हूं एन आपका 25 है और आर जो है वो 10 है, 25 सी आर यानी कि 25 सी एन एक्स की पावर यानी कि 2x की पावर एन माइनस आर, 25 माइनस 10 यानी कि 15, और y 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर कितना हुआ r, r कितना है आपके पास 10। बस इसको सॉल्व करना है, आगे के सवाल भी इसी तरीके से, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, माइनस 1 की पावर ये इवन है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, 25 सी 10 है, इसको चाहे तो ऐसे ही रख लीजिए 25 सी 10 को, यहां पर देख लीजिए ये 2 की पावर 15 है, इसको 2 की पावर 15 अलग कर लीजिए, एक्स की पावर 15 है, तो एक्स की पावर 15 हो गया, ये नीचे है, एक्स की पावर 2 और 10 20 हो गया, इसको ऊपर ले आइए, एक्स की पावर माइनस 20 रहेगा, 5 और माइनस 15 माइनस 20 का क्या होगा, ये 15 माइनस 20 बनेगा आपका माइनस यानी 25 सी 10 एक्स की पावर 15, ये तो आपका 2 की पावर 15 है ही, एक्स की पावर 15 और एक्स की पावर ये जब 20 जाएगा ऊपर 2 जाएगा माइनस 20 तो माइनस 5 आ जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस 5 ये आपका आ गया। अब आपको निकालना है जो आखिर से, मतलब शुरुआत से आपने 11वां टर्म निकाल लिया, आप यहां से आएंगे, यहां से 11वां टर्म निकालना, तो इसको ध्यान रखिए कि जो आखिर से आते हैं उसका अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो पहले आपको समझना होगा कि 11वां टर्म होगा कौन सा, तो इसके लिए हम लगाते हैं एन माइनस आर प्लस 1, ये लगाते हैं एन माइनस आर प्लस 1, एन कितने हैं कुल मिला के, देखिए अगर हम इस 25 समझें तो एन प्लस 1 टर्म्स होते, ठीक, तो हम क्या करेंगे यहां पर इस जगह पे n, यानी n आपका इस जगह पे हम लेंगे 26, जितने टर्म बनेंगे कुल मिला के जब खोलेंगे तो n प्लस 1 टर्म बनेंगे, उसके बाद हम यहां करेंगे माइनस 11वां टर्म चाहिए आपको और प्लस 1, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से किया जाएगा, यहां पर आप 25 नहीं रखेंगे, यहां 25 नहीं रखेंगे, तो 26 और ये हो गया 27, 27 माइनस 11 कितना हो गया, ये आपका 6 और 1 16वां टर्म हो गया, तो आपको T16 निकालना है, और T16 का मतलब क्या होता है, T15 प्लस 1, और उसको निकालने का क्या तरीका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस 1 की पावर 15, फिर NCR, NCR क्या है 25, CR है आपका 15, यहां लिखते हैं x की पावर n माइनस आर, मतलब ये r है, 25 माइनस 15 हो गया 10 और 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर हो गया r यानी कि 15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगा। फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, 7th टर्म निकालना है, एक्सपेंशन है 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इसकी पावर 10, तो आपको 7th टर्म निकालना है, इसका मतलब
टी क्या लेंगे आप, अगर सेवन टर्म निकालना है तो इसका मतलब है टेन टी सिक्स प्लस वन करेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा एन सी आर, अच्छा इसमें माइनस है तो माइनस वन की पावर क्या बनेगा इसमें, माइनस वन की पावर बनता है आर, दस आर, ये छः, तो आर लिख देते हैं यहाँ पर छः है और एन आपका यहाँ है दस, ये ज़्यादा बेहतर रहता लिखना, माइनस वन की पावर आर यानी कि माइनस वन की पावर छः। अब एन सी आर यानी कि टेन सी सिक्स और फिर आपका थ्री एक्स स्क्वायर इसकी पावर एन माइनस आर, टेन माइनस सिक्स कितना होता है फोर, और फिर ये बना वन बाय एक्स क्यूब इसकी पावर आर, आर कितना है आपका छः। तो बस इसको सॉल्व करेंगे ये फाइनल आंसर आएगा, आपको पता है इसको कैसे करना है, ये कॉम्बिनेशन भी खोलना आता है आपको और एक्स के एक्स को सॉल्व करना है, तो बस ये ध्यान रखिएगा ये जो नीचे है ये, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, मैं इसको ज़रा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, इसके पावर एट बनेगा ये और नीचे आपका आएगा एक्स की पावर सिक्स थ्री ज़ा एटीन, तो क्योंकि अगर हम इसको अगर ऊपर लाएंगे तो बनेगा एक्स की पावर एट माइनस एक्स की पावर एट इंटू एक्स की पावर माइनस एटीन, इनको जोड़ेंगे तो बनेगा एक्स की पावर माइनस टेन, तो ये एक्स की पावर माइनस टेन कभी नहीं लिखा जाता, हमेशा वन बाय एक्स की पावर टेन करेंगे, टेन हमेशा मतलब जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव में लिखा जाता है, इसलिए आप यहाँ पर एक्स की पावर टेन नीचे देख रहे हैं। तीसरा जो है इसमें वो है कि पांचवा टर्म फ्रॉम द एंड, पांचवा टर्म फ्रॉम द एंड, सीधा मतलब ये है कि अगर आपको यहां थ्री एक्स स्क्वायर किसके किसका निकालना है, थ्री एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर बाय टेन इसका निकालना है, तो आपको क्या करना है कि ये कुल मिला के कितने टर्म होंगे, अगर 10 पावर है तो 11 टर्म होंगे, तो 11 टर्म 11 माइनस क्या करेंगे आर, 11 माइनस आर प्लस 1 होता है, 11 माइनस आर प्लस 1, तो अगर आपको कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म, तो ये आपका आर हो गया, तो 11 माइनस आर यानी कि 11 माइनस 5 और प्लस 1 ये आएगा आपका सातवां टर्म, तो ये सेवन्थ टर्म निकालना है, तो T7 निकालना है तो इसके लिए आपको T6 प्लस 1 करना पड़ेगा और ये सीधा बनेगा, इसमें देख लीजिए ये आपका R हो गया 6, N है आपका 10 और माइनस है तो माइनस 1 की पावर R 6 और NCR यानी कि 10C6 फिर इसकी 3X की पावर N माइनस R यानी कि 10 माइनस 6 मतलब 4 और फिर उसके बाद आएगा ये माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितनी R 6, माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस तो हमने यहाँ ले लिया ना, माइनस की जरूरत नहीं है, ये कितना आ जाएगा ये संख्या आ जाएगी। फाइंड द एट्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, एट्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है, x की पावर 3 बाय 2 y की पावर हाफ माइनस x की पावर हाफ और y की पावर 3 बाय 2 और ये है पावर 10, तो आपको क्या निकालना है एट्थ टर्म निकालना टी एट, तो टी एट निकालना है तो टी सेवन प्लस 1 करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब आर हो गया 7, एन कितना है 10, माइनस है बीच में तो यहां पर लगा दीजिए माइनस 1 की पावर आर कितना हो गया 10, माइनस 1 की पावर 7 की पावर 7, उसके बाद एनसीआर, एनसीआर क्या होगा 10 सी 7, फिर ये वाला टर्म ले लीजिए एक्स की पावर 3 बाय 2 वाई की पावर 1 बाय 2 इसकी पावर है एन माइनस आर मतलब 10 माइनस 7 ये वन तीन कर देते और ये वाला आया एक्स एक्स की पावर हाफ वाई की पावर 3 बाय 2 इसकी पावर आर 7। अब इसमें बस एक चीज़ करनी है आपको, देखिए ये तो आप कर लेंगे 10 सी 7 ये आपका 120 आएगा और ये माइनस की पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, तो ये तो आपका सीधा माइनस 120 आ गया, 10 सी 7 निकालेंगे तो 120 आएगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको कैसे करेंगे, x की पावर 3 बाई 2 है और ये 3 है, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की पावर 3 बाई 2 इंटू 3 कितना होगा 9 बाई 2, y कितना है y की पावर हाफ इंटू 3 बाई 2 मतलब हाफ इंटू 3 3 बाई 2 ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो गया हमारा, तो ये ले रहे एक्स की पावर हाफ इंटू 7 यानी कि 7 बाय 2 और वाई की पावर कितना हुआ 7 इंटू 3 7 3 सा 24 24 बाय 2 7 इंटू 3 बाय 2 ऐसा है, तो 7 3 सा 21 21 बाय 2। अब क्या करेंगे
एक्स वाले को एक्स वाले से जोड़ देंगे और वाई वाले को वाई वाले से जोड़ देंगे, एक्स वाले को एक्स वाले से जोड़ देंगे। तो आप देखें एक्स वाले को एक्स से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9/2 ये वाला प्लस 7/2 कितना हुआ, 9 + 7 = 14, 16/2 8 हो गया। तो ये यहाँ पर आपका आएगा एक्स की पावर 8। वाई पे आइए, ये 3/2 और 21/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 + 21/2 ये कितना बना, 21 + 3 = 24, 24/2 हो गया 12, ये हो गया वाई की पावर 12। ऐसे करना है, ये है इसका आंसर। फाइंड दी सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, सेवेंथ टर्म निकालना है, एक्सपेंशन है 4x/5 + 5/2x, इसकी पावर 8 है। तो इसमें क्या कर रहा है, t7 निकालना है, मतलब t6+1 करना पड़ेगा आपको। तो इसमें r हो गया 6, n हो गया कितना पावर है 8, तो ये होगा प्लस है तो माइनस वन की पावर की जरूरत है नहीं। सीधा आप क्या करेंगे, ncr, मतलब ncr 8c6 फिर ये वाला 4x/5 n-r, तो 8-6 मतलब 2 हो गया, और फिर y की पावर 5/2x/r 6। आई होप ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये उत्तर है आपके सामने। अगला जो है इसमें, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x+2/3 to the power 9। तो चौथा टर्म निकालना है स्टार्टिंग से, मतलब अगर इस तरीके से पूरी सीरीज अगर बन रही है, बायनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है, तो यहां से चौथा निकालना है, ये ऐसे 1, 2, 3, 4 चौथा ही निकल गया और यहां से फिर चौथा निकालना है पीछे से, तो ये टर्म दोनों निकालने हैं। तो जैसे सीधा अगर t4 निकालना है तो उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं आपको, सीधा आप टर्म लिख देंगे, लेकिन अगर आप बैक से चलेंगे तो उसके लिए मैं आपको अभी बता चुका हूं, एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे निकालना है इसको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें t4 की जगह क्या करना पड़ेगा, यही बता देता हूं आपको। t4 की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, t3+1 करना पड़ेगा, t3+1 तो r कितना हो गया 3, n है 4, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन है उसकी पावर कितनी दी गई है, 4 दी गई है। और मैं आपको जरा क्वेश्चन लिख देता हूं, यह है x+2/x^9, तो ये 9 है, तो n कितना हो गया इसमें, n आपका 9 है, और ये जो कैपिटल n है, क्योंकि ये होगा कैपिटल n माइनस r प्लस 1 जो हम लास्ट से निकालना शुरू करेंगे, कैपिटल n जो होता है उसको जरा समझना होगा आपको कि वो क्या चीज है, कितने जब इसको खोलेंगे तो कितने टर्म आने वाले हैं, राइट। पहले हम ये अलग कर लेते हैं, यहां हमारे पास सारी चीजें हैं, क्या क्या है, r आपके पास 3 है क्योंकि t4 यानी t3+1 करना है, इसी तरीके से आप इसको करेंगे ncr, यानी ncr 9c3, और ये जो पहला है x^(n-r)/2/3r, तो 2/3 की पावर जो n-r है वो करेंगे पहले, यानी x की पावर, मैं यहां पर बना देता हूं इसको ncr 9c3 x^(n-r)(9-3) 6, और y की पावर r, y कितना है इसमें 2/x, r कितना है इसमें 3, तो 9c3 तो खैर आप सॉल्व कर ही लेंगे, ये 672 आएगा। इस पे आते हैं, x की पावर 6 है और ये 2 की पावर क्यूब है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके 9c3 × 2³ ये 8, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 आएगा। ये x की पावर 6 है, नीचे आपका x की पावर 3 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x की पावर -3, इनको जोड़ दीजिए 6 और -3 हो जाएगा x^3, तो ये x^3 आ जाएगा। अब जब आखिर से चलेंगे, लास्ट से चलेंगे, तो जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, तो ये टर्म बनेगा n-r+1, n मतलब है कितने आपके टर्म बनेंगे जब इसको आप खोलेंगे, इसको जब खोलेंगे तो कितने टर्म बनेंगे, ये 9 है तो 10 टर्म बनेंगे, चौथा टर्म चाहिए आपको आखिर से, और प्लस वन कर दीजिए, 10-4 कितना होता है 6, 6+1 7, मतलब सातवां टर्म चाहिए आपको, शुरुआत से सातवां टाइम चाहिए, पीछे से जो आप कह रहे हैं कि चौथा टर्म चाहिए, इसका मतलब है कि शुरुआत से आपको सातवां टर्म चाहिए, हम यहां से निकाल रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सीधा t6+1 वही एन सी, इसमें आपका n है 9, अब r है 6, तो 7c6, ये x
एक्स की पावर एन माइनस आर यानी कि 9 माइनस 6 यानी कि एक्स की पावर 3 और ये 2 बाई 3 की पावर आर यानी कि 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो फोर्थ टर्म लास्ट से निकालना है और यह है 4x बाय 5 माइनस 5 बाय 2x की पावर 9। तो पहले इसको खोलेंगे तो कितने टर्म बनेंगे, हमेशा n प्लस 1 टर्म बनते हैं, यानी कि कुल मिला के एन जो हो गया वो आपका 10 हो गया। माइनस आर करेंगे, हमको फोर्थ टर्म चाहिए पीछे से बैक रियर से, तो 4 कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो मतलब आपको सेवन्थ, ये सेवन टर्म चाहिए। टी सेवन करने के लिए क्या करेंगे, टी सिक्स प्लस वन, ये कितना हो गया एनसीआर, और क्योंकि माइनस है तो पहले आप माइनस वन की पावर आर लगा दीजिए, इसमें एन हो गया आपका 9 और आर हो गया आपका कितना हुआ ये 6, माइनस वन की पावर एन, माइनस वन की पावर आर कर दीजिए 6 और एनसीआर 9c6 एक्स की पावर 4x बाय 5 की पावर एन माइनस आर, 9 माइनस 6 3 और 5 बाय 2x की पावर आर, ये कितना हो गया 6। ये सॉल्यूशन है, ये इसका उत्तर आपका आएगा। नेक्स्ट है फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, सेवेंथ टर्म निकालना है कहां से, एंड से निकालना है, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसको कैसे करेंगे, सेवेंथ टर्म निकालना है, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन 2x स्क्वायर माइनस 3 बाय 2x पावर 8। सेवेंथ टर्म लास्ट से निकालना है तो कैपिटल n क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये 8 है, तो इसको खोलेंगे तो टर्म बनेंगे n प्लस 1 यानी कि ये होगा 9, ये हो जाएगा 9 माइनस आर, आर मतलब सातवां टर्म निकालना है, माइनस 7 कर दीजिए, यहां कर दीजिए सर प्लस 1 कर दीजिए, तो n माइनस 7 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो गया। तो तीसरा टर्म निकालना है, T3 निकालना है यानी कि T2 प्लस 1 निकालना है आपको, तो ये R हो गया, N कितना है इसमें, N है पावर आपकी 8 की, ये पावर 8 हो गया, तो इसमें क्या बना आपका T2 प्लस R NCR यानी कि, अच्छा इसमें माइनस है क्या, हाँ माइनस 1, माइनस 1 की पावर पहले आप R कर दीजिए सीधा 2 और NCR अब आएगा T8C2 NCR, अब पहले 2x स्क्वायर की पावर n माइनस आर यानी 8 माइनस 2, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर की पावर n माइनस आर, 8 माइनस 2 यानी 6 और y की पावर r यानी माइनस ये 3 बाय 2x की पावर r, r क्या हुआ ये 2, ये आपके सामने है, ये तो प्लस हो जाएगा 8c2 को ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4032 x की पावर 10 आएगा। सवाल है इसमें है फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो सातवां टर्म निकालना है आपको एंड से, तो मैं इसको आपको दूसरा तरीका बताता हूं। दो चीजें आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहां पर देखें कि यहां से पहले से लेकर ये आखिर है, मतलब कुल मिला के कितने टर्म होंगे इसमें, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं तो बनता है, ये एक्सप्रेशन है इसका 2x स्क्वायर माइनस 3 बाय 2x इसकी पावर 8, ये बन गया, तो कुल मिला के 9 टर्म होंगे इसमें, 8 प्लस 1 तो n प्लस 1 टर्म होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं इजी कि कैसे हम एंड से निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला लगाना है n माइनस आर प्लस 2 सीधा, और n में क्या रख देना है जो आपको क्वेश्चन में दिया है सातवां, क्या दिया है आपको सातवां टर्म निकालना है, तो n माइनस आर प्लस 1, n कितने हैं इसमें 8, 8 करिए माइनस कर दीजिए 7 और प्लस 2, 8 माइनस 7 प्लस 2 3 आ जाएगा, ये तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे गिने कि 8 प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स n हो रहे हैं, कैपिटल n माइनस आर प्लस 1 कर सकते हैं, कैपिटल n हो जाएगा आपका 9 माइनस आर जो आपको दिया हुआ है 7 और प्लस 1, यहां पर भी 3 आ रहा है, ये ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन कई बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, कई बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है जो आप मैक्सिमम बुक्स में देखेंगे। तो n माइनस आर प्लस 1, फिर से बताता हूं n में क्या करना है आपको, जो टोटल नंबर है इंडेक्स का वो लिखना है,
आर मतलब जो आखिर से जो टर्म निकालना है और प्लस टू कर देना है, प्लस टू कर देना है इसको, बस तीन आ जाएगा। तो टी थ्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टी थ्री टी टू प्लस वन करना पड़ेगा आपको। टी टू प्लस वन का मतलब क्या है, अब अच्छा यहां पर नेगेटिव है तो माइनस वन की पावर आर कर दीजिए। अब पहले एन और आर लिख दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। एन कितने हैं इसमें, एन आपके पास है आठ, और आर कितना है, अभी अभी आपने आर निकाल लिया थी, तो बस यहां पर माइनस थ्री माइनस वन की पावर आर, यानी आर आपका आया है, आर आपका आया है एन माइनस आर, तो माइनस ये हो गया माइनस वन की पावर टू, यहां टू है सर, टू है, माइनस वन की पावर टू, और एन सी आर कर दीजिए आप, एट सी आर, एट सी टू, और टू एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर, मतलब छ हो गया ये, और थ्री बाय टू एक्स की पावर आर, आर क्या है दो, ये हो गया, ये उत्तर आ जाएगा आपका 4032 एक्स की पावर टेन। अभी जो आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें कोएफिशिएंट निकालना है आपको, और कोएफिशिएंट इसका मतलब जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, जैसे ये जो पहला सवाल है इसमें दिया है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स की पावर ट्वेंटी, इसमें आपको एक्स की पावर टेन का कोएफिशिएंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मान के चलते हैं कि टी आर प्लस वन टर्म है, उसमें हमारे एक्स की पावर टेन आएगा कहीं पे, तो इसके आगे का कोएफिशिएंट निकालेंगे और एक्स निकालेंगे और इसको इससे इक्वेट कर देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ, टी आर प्लस वन करेंगे, ये क्या होगा इसका, अब एन सी आर, टेन आपका ट्वेंटी है इसमें, तो ट्वेंटी सी आर, अच्छा माइनस भी है तो माइनस वन की पावर भी आप कर दीजिए आर, माइनस वन की पावर आर, ट्वेंटी सी आर, अब टू एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर, ट्वेंटी माइनस आर, और वन बाय एक्स की पावर आर। अब आप जो ये माइनस वन की पावर आर को अलग रखिए, ट्वेंटी सी आर को भी अलग रख दीजिए, और अब इसको टू की, इसको अलग अलग कर दीजिए, ये कितना बना, ये बना टू की पावर ट्वेंटी माइनस आर, और ये बना एक्स स्क्वायर की पावर ट्वेंटी माइनस आर, और ये है वन बाय एक्स की पावर आर। इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर माइनस आर। तो इन दोनों को ले लीजिए, बस एक्स को लीजिए आप, अभी एक्स की पावर ये टू इंटू ट्वेंटी फोर्टी हो गया माइनस टू आर, और ये है एक्स की पावर माइनस आर, तो कितना बन गया एक्स की पावर फोर्टी माइनस थ्री आर, ये बना ना। आगे आपका जो टर्म है वो है माइनस वन की पावर टू ट्वेंटी सी आर, टू की पावर ट्वेंटी माइनस आर, इसको बाद में हम देखेंगे, यही निकालना है कोएफिशिएंट बेसिकली, निकालना क्वेश्चन में यही है, लेकिन एक्स की पावर फोर्टी माइनस आर कोएफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर टेन होना चाहिए, एक्स की पावर टेन होना चाहिए, तो फोर्टी माइनस आर इसका मतलब थ्री आर टेन के बराबर होना चाहिए, फोर्टी माइनस थ्री आर बराबर हो जाएगा आपका टेन के, तो फोर्टी बराबर फोर्टी माइनस टेन बराबर हो जाएगा थ्री आर, आर हो गया आपका थर्टी बाई थ्री यानी कि टेन, आर टेन आ गया आपका, बस यहाँ पर आप टेन रख दीजिए, माइनस वन की पावर आ रहे हैं, तो ये क्या आएगा माइनस वन की पावर टेन, फिर ट्वेंटी सी टेन, और टू की पावर ट्वेंटी माइनस टेन मतलब टू की पावर टेन, ये जो है ना यही आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर आएगा, माइनस वन की पावर टेन तो वैसे भी वन हो जाएगा, ट्वेंटी सी टेन टू की पावर टेन ये आ जाएगी। इस तरीके से आप बाकी निकालेंगे, मैं आपको टर्म तक पहुंचा दूंगा, फिर ये फाइनल देख लेंगे। देखिए आपको x की पावर सेवन इसका कोएफिशिएंट निकालना है, एक्सपेंशन है x माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर की पावर फोर्टी, तो इसमें क्या बनेगा आपका, पहले तो आप टी आर प्लस वन ले लीजिए, और n आपके पास फोर्टी है तो माइनस भी है तो माइनस वन की पावर r, माइनस वन की पावर r कितना हो गया r, एन सी आर यानी कि फोर्टी सी आर, अब x ये x की पावर n माइनस आर यानी कि फोर्टी माइनस आर, और y की पावर यानी कि वन बाय एक्स स्क्वायर की पावर आर। अब ये तो रहेगा ही रहेगा, अब x ये x वालों को देखिए, क्योंकि हमको x की पावर सेवन निकालना है, यानी x की पावर सेवन का कोएफिशिएंट निकालना है, तो ये जो ऊपर वाला x की संख्या आएगी, x का इंडेक्स x की पावर सात के बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब x की पावर फोर्टी माइनस आर, और ये जब ऊपर जाएगा तो x की पावर हो गया ये माइनस टू, माइनस टू आर, तो ये बना फोर्टी माइनस आर, और फोर्टी माइनस आर और माइनस टू आर कितना हो गया फोर्टी माइनस थ्री आर, तो 40 माइनस थ्री आर ये बोल रहे हैं कि सात के बराबर होना चाहिए, ये जो इंडेक्स है ये सात के बराबर होना चाहिए, तो आपको बनेगा 40 माइनस सेवन इक्वल टू थ्री आर, हो गया 33 इक्वल टू थ्री आर, आर हो गया आपका 11, तो आर इक्वल टू 11 है, और तो आर 11 है तो आप इसमें रख दीजिए आप ये वाले में, माइनस वन की पावर 11 और 40 सी 11, माइनस वन की पावर 11 होता है माइनस, माइनस 40 सी 11, यही इसका आंसर है। एक्स की पावर माइनस फिफ्टीन, एक्स की पावर माइनस फिफ्टीन मतलब माइनस आपको निकालना है कोएफिशिएंट एक्स की पावर माइनस फिफ्टीन का, एक्सपेंशन है किसका, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस
ए बाय थ्री एक्स क्यूब का जो पावर 10 है। तो इसमें आपको दिख रहा है ये क्या है, 10 आपका 10 है, तो हम सीधा टी आर प्लस 1 लिखते हैं, होगा एन सी आर, 10 सी आर एक्स की पावर, ये एक्स है ये वाई है और माइनस भी है, तो माइनस 1 की पावर आर भी जोड़ देते हैं इसमें, 10 सी आर एन की एक्स की पावर, 3 एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर, 10 माइनस आर और वाई यानी कि ए बाय थ्री एक्स क्यूब इसकी पावर हो गई आपकी आर। अब क्या बना इसका, माइनस 1 की पावर आर 10 सी आर, ये हो गया 3 की पावर, इसको हो गया 10 माइनस आर और x की पावर हो गया 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर ये हो गया। यहाँ पर a बाय 3 की पावर तो r अलग कर दीजिए, अब x को अलग ले रहा हूँ मैं x की पावर 3 आर, इसको ले लीजिए साथ में, x की पावर ये हो गया 20 माइनस 2 आर, ये ऊपर जाएगा ये बनाएगा x की पावर माइनस 3 आर, 20 माइनस 2 आर और माइनस 3 आर कितना होगा, 20 माइनस 5 आर, तो x की पावर 20 माइनस 5 आर बराबर हुआ x की पावर माइनस 15 के, माइनस 15 और ये बराबर कर दीजिए, 20 माइनस 5 आर बराबर हो गया x की पावर माइनस 15, सॉरी माइनस 15, तो ये 5 आर हो गया आपका 20 प्लस 15, तो 5 आर हो गया 35, आर आपका हो गया 7 5 35, आर आपका 7 आ गया। अब इसमें रख दीजिए आप माइनस 1 की पावर 7, 10 सी 7, 3 की पावर 10 माइनस 7 कितना हुआ 3, और ये और हमने क्या बोला था, ए की पावर 7 और 3 की पावर 7, तो इसको सॉल्व करना चाहें तो ये 3 की पावर 7 और 3 की पावर 3 तो यहीं पे कट जाएगा आपका, 3 की पावर 4 आएगा, इसको 10 सी 7 के साथ सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ उत्तर आ जाएगा इसका, माइनस 1 की पावर 7 में आप केवल माइनस लगा दीजिए, उसको हटा के माइनस कर दीजिए। तो ये है x की पावर 9, आपको x की पावर 9 का कोएफिशिएंट निकालना है, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 एक्स की पावर 9 है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, ये हम क्वेश्चन एक दो कर चुके हैं अभी। अब यह है x की पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ 1x प्लस 1 बाय x की पावर n, यानी x की पावर m और x मतलब कोएफिशिएंट निकालना है x की पावर m का, एक्सपेंशन है 1x प्लस 1 बाय x की पावर n। तो अब हमको क्या करना है, सीधा टी आर टर्म, टी आर प्लस 1 टर्म मानिए, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r, तो एन सी आर हो गया x की पावर n माइनस आर और ये हो जाएगा x की पावर माइनस आर, ऊपर जाएगा ना, तो n माइनस आर इनको जोड़ दीजिए, n माइनस आर और माइनस आर को, n माइनस आर माइनस आर, ये हो गया n माइनस 2 आर और ये किसके बराबर होना चाहिए, m के, तो n माइनस 2 आर बराबर हो गया m के, जैसे आपको क्या निकालना है, r निकालना है, तो n माइनस m हो जाएगा 2 आर के बराबर, r हो जाएगा n माइनस m बाय 2, ऐसा रख दीजिए, आपको निकालना है एन सी एन माइनस m बाय 2, ये हो गया और बस यही है x की पावर n माइनस आर, x की पावर ये तो खैर वही है। तो अब यहाँ पर एन सी एम एन माइनस एम बाय 2 कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस आर यानी एन माइनस एम बाय 2, तो ये बनेगा 2n माइनस n प्लस m बाय 2, ये हो जाएगा n, n प्लस m बाय 2 जगह n प्लस m बाय 2, ये उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको कोएफिशिएंट निकालना है x का और एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, एक्सपेंशन है 1 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स की पावर 5 और है 1 प्लस 1 बाय x की पावर 8। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको लीजिए 1 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स की पावर 5, तो यहां हो गया। अब इसको ओपन कर दीजिए, 1 प्लस 1 बाय x की पावर 8 है, तो क्या बनेगा, एन सी जीरो एट सी जीरो, वन से तो 1 तो नहीं रहेगा, बस 1 बाय x पे ध्यान दीजिए, प्लस 8 सी 1 हो गया 1 बाय x प्लस 8 सी 2 1 बाय x स्क्वायर प्लस 8 सी 3 1 बाय x क्यूब प्लस 8 सी 4 1 बाय x की पावर 4 प्लस 8 सी 5 1 बाय x की पावर 5
प्लस एट सी सिक्स वन बाय एक्स की पावर सिक्स प्लस एट सी सेवन वन बाय एक्स की पावर सेवन प्लस एट सी एट वन बाय एक्स की पावर एट। अब इसमें आपको ये देखना है कि भाई हमको कोएफिशिएंट चाहिए x का, तो x कब आएगा? क्या आप वन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा? नहीं। यहां देखिए दूसरा वाला माइनस टू एक्स स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करेगा आएगा तो कोई ऐसा वैल्यू आएगा या x आ जाएगा? अब माइनस टू को भूल जाइए, अभी केवल एक्स क्यूब पे ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब के क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स आ जाए? क्या मल्टीप्लाई किया जाए? वन बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए। वन बाय एक्स स्क्वायर कहां दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है, यह है माइनस टू एक्स क्यूब इंटू एट सी टू वन बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गया पहला टर्म। अब आइए दूसरी टर्म पे। अब तो और तो कोई टर्म नहीं है, किसी से भी मल्टीप्लाई करिए आपको एक्स नहीं मिलेगा। अब आइए इस पे, तो एक्स की पावर फाइव को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि हमें एक्स मिल जाए? तो एक्स की पावर फोर होना चाहिए यहां पर। कहां है एक्स की पावर फोर? यस, इसके पास है। तो मल्टीप्लाई एट सी फोर इंटू वन बाय एक्स की पावर फोर, तो क्या बना इससे? ये हुआ माइनस टू इंटू एट माइनस सिक्सटीन, एट सी टू है सॉरी, तो एट सी टू क्या होगा? फैक्टोरियल एट बाय फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल एट माइनस टू, एट माइनस टू यानी कि सिक्स हो गया ये, तो ये हो गया एट इंटू सेवन बाय टू, टू फोर जा एट, सेवन फोर जो ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट इंटू टू हो गया फिफ्टी सिक्स, माइनस है तो माइनस फिफ्टी सिक्स हो गया। अब इस एक्स क्यूब और वन बाय एक्स स्क्वायर को मैं एक्स लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आइए, यह है थ्री और एट सी फोर, ये एक्स की पावर फाइव और वन बाय एक्स की पावर फोर को तो मैं एक्स ही लिख देता हूँ क्योंकि एक्स आने वाला है, इसीलिए हमने किया है। थ्री इंटू एट सी फोर, एट सी फोर होगा फैक्टोरियल एट, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल एट माइनस फोर, तो होगा थ्री इंटू एट सेवन सिक्स फाइव, फैक्टोरियल फोर लिखेंगे वो इससे कट जाएगा, फैक्टोरियल फोर को खोल देते हैं, फोर इंटू थ्री इंटू टू, ये थ्री से थ्री काट दीजिए, फोर टू से एट, एट से एक काट जाइए, कितना हुआ फाइव सिक्स या थर्टी, थर्टी इंटू सेवन हुआ दो सौ दस, यहाँ दो सौ दस आ गया, कितना बना टू दो सौ दस, क्योंकि एक्स एक्स है, दो सौ दस माइनस फिफ्टी सिक्स, ये हो गया वन फिफ्टी फोर, वन फिफ्टी फोर एक्स आया ये, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? वन फिफ्टी फोर ही आ गया। ये जो सवाल है ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, इसमें आपको ए की पावर फाइव और बी की पावर सेवन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट निकालना है आपको, और आपको एक्सप्रेशन दिया है ए माइनस टू बी की पावर ट्वेल्व। तो सीधी बात है, इसको खोल देते हैं, देखते हैं कहां पर ए की पावर सेवन आता है, बी की पावर, ए की पावर फाइव और बी की पावर सेवन आता है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको खोलते हैं। एन सी जीरो, एन कितना है? एन है आपका बारह, ये बारह है, तो एन सी जीरो ट्वेल्व सी जीरो, पहले की पावर ए की पावर ट्वेल्व, फिर आएगा, अच्छा माइनस है आएगा क्योंकि माइनस प्लस ऑल्टरनेटिव चलेगा या माइनस है, माइनस प्लस ऐसा आता रहेगा, तो माइनस, अब हो जाएगा एन सी वन ट्वेल्व सी वन, और इसकी ए की पावर घटा दीजिए एक ग्यारह, और बी की पावर बना दीजिए वन, प्लस कर दीजिए, अब ट्वेल्व सी टू हो गया, ए की पावर कितना हो गया अब दस हो गया, और बी की पावर बढ़ गई एक, फिर आइए आप ट्वेल्थ माइनस पे, ट्वेल्व सी थ्री, यहाँ पर हो गया ए की पावर कितना हो गया, ये आपको ग्यारह हो गया, दस हो गया, अब नौ हो गया, टू बी की पावर तीन कर दीजिए, अब प्लस में आ जाइए, अब ट्वेल्व सी फोर, ट्वेल्व सी फोर, तो ऐसे थोड़ा इसको ना आप बढ़ाते रहिए, मैं आपको उस टर्म पे लाता हूँ जहाँ पर असली हम आने वाले हैं, या फिर इसको कंप्लीट ही कर लेंगे, ट्वेल्व सी फोर कर ही लेते हैं कंप्लीट, ए की पावर एट हो गया, टू बी की पावर फोर हो गया, प्लस अब आइए ट्वेल्व सी फाइव, ट्वेल्व सी फाइव में क्या मिला आपको, ए की पावर सात की पावर तीन, फिर आइए ट्वेल्व सी सिक्स, ए की पावर छः, टू बी की पावर टू, अब आइए ट्वेल्व सी सेवन, ट्वेल्व सी सेवन, ट्वेल्व सी सेवन आइए, ए की पावर आ गया पाँच और टू बी की पावर आ गया सेवन, टू की तीन चार, ये पांच, ये छः और ये सात, ओके। अब आप देखें, मैं यहां रुक जाता हूं, अब मुझे बारह तक नहीं बढ़ना है, उसका कारण ये है कि हमें ए की पावर फाइव मिल गया यहां पे,
और बी की पावर 7 भी मिल गया। इसके साथ क्या है 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 लगा दीजिए, और इसके सामने क्या है 12C7। बस 12C7 और 2 की 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 12 की पावर 7, और क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ हम कर देते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस आएगा, माइनस 12C7 2 की पावर 7, a की पावर 5, b की पावर 7, तो इसका जो ये वैल्यू है वो आपकी आएगी -101376। अब इसमें आपको कोएफिशिएंट निकालना है x का, तो ये सवाल ऑलरेडी हम इस तरीके का कर चुके हैं, और इसमें आपको करना क्या है कि मैं आपको समझा देता हूं। 1-3x + 7x², इसमें 1-x की पावर 16 को खोल दीजिए, और उसके बाद देखिए कि आप 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 को यहां किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको x मिल जाए, कोई ऐसा टर्म आ रहा है? यस, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये -16C1 से, तो ये पहला टर्म हो गया, इसमें x मिलेगा आपको। यहां अगले पाएंगे 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको x मिलेगा, 3x को आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे 16C0 से, तो यह -3x हो गया, और ये हो गया -16C0। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका टर्म आ गया, याद है, ठीक है। अब 7x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर ही नहीं सकते क्योंकि यह ऑलरेडी x² है, x आपको मिल ही नहीं सकता इससे, तो इसको छोड़ देंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, -16C1 जो कि -16 आ रहा है, 16C1 16 होता है, -16, और 16C0 कितना होता है, NC0 1 ही होता है, तो ये माइनस माइनस आपका ये -3 है, तो ये आपका 3 हो गया। तो -3 हमने यहां से लिया, यहां पर से लिया, ये माइनस नहीं है, माइनस यहां से लिया, तो ये -16 -3 -19 आ गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका सवाल है विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन क्या है, एक्स बाय वाई की पावर हाफ और इस पूरे की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर बाद में 21 है, y की पावर हाफ 1/3 और ये हो गया आपका 1/2 और इन सब की पावर है 21। तो आपको निकालना है विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कंटेन्स x एंड y टू 1 एंड द सेम पावर, x और y की सेम पावर आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की पावर ले लेंगे, y की पावर ले लेंगे, उन दोनों को बराबर कर देंगे, तो क्या बनेगा, पहले तो हम tr+1 टर्म मान लेते हैं, tn मान सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ncr, यानी कि n क्या है इसमें 21, तो 21 cr इसकी पावर x बाय y की पावर हाफ, y रूट y था तो मैंने इसको y की पावर हाफ लिख दिया, इसकी पावर है 1/3, अब इसकी पावर है 21 n-r, और ये वाला क्या हुआ y बाय x की पावर 1/3 इसकी पावर हाफ और इसकी पावर r, राइट। तो पहले तो ये मल्टीप्लाई कर दूं, उसके बाद देखते हैं इसको, मतलब ये x की पावर 1/3 होगा, ये होगा y की पावर हाफ, हाफ और 1/3 1/6, इसकी पावर है 21 n-r, ये हो गया y की पावर हाफ और ये x की पावर 1/3 1/2, यानी कि x की पावर 1/6। हम मैंने क्या किया, हाफ इंटू 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया, बस ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसकी पावर r, अब x को अलग कर लीजिए, y को अलग कर लीजिए, तो ये x की पावर हो जाएगा 21 n-r/3, ये x की पावर है, ये हो जाएगा r/6, ये बना। अब y को ले लीजिए, ये y की पावर हो गया r/2 ये वाला, और नीचे आएगा y की पावर 21 n-r/6, तो ये क्या बनेगा, 21 n-r/3 - r/6, जो कि आपका आएगा 42 - 3r/6, ये क्या बन रहा है, ये बनेगा r/2 - 21 - r/6, तो ये बनेगा आपका -21 - 4r/6। अब इन ये जो है x की पावर हो गई, y की पावर, ये पावर ले रहा हूं मैं, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका r जो है वो 9 आएगा। इसका मतलब जो, क्योंकि r 9 आया है, तो tr+1 माना था आपने, तो ये हो गया tr+1, यानी कि 9+1 10, तो t10th जो टर्म होगा वो आपका ऐसा होगा जिसमें x और y की पावर बराबर है। अगला जो सवाल है ऑफ
टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स टू द पावर 20 कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग एक्स टू द पावर 9। क्या ऐसा कोई टर्म है जिसकी पावर एक्स की पावर 9 है? चलिए देख लेते हैं इसका जो टी आर प्लस वन टर्म क्या होगा, होगा एनसीआर, एन इसमें 20 है तो 20 सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, यानी 20 माइनस आर और सी की पावर, इसको आप माइनस वन की पावर आर भी कर दीजिए इसको क्योंकि माइनस में है, और 1 बाय एक्स की पावर आर। अब एक्स को साथ ले लीजिए और एक्स की पावर देखते हैं कि भाई 9 आ सकती है कि नहीं आ सकती है, क्या ऐसा हो सकता है? हम जानते हैं कि हमें जो आर है वो हमेशा नेचुरल नंबर चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब आर 9 नहीं हो सकता या एक्स की पावर 9 नहीं हो सकती। 20 सी आर है, ये 2 की पावर 20 माइनस आर है, इसको मैं अलग कर ले रहा हूं। अब एक्स को देखते हैं, एक्स की पावर 2 है और ये 20 माइनस आर है, तो इसको 40 माइनस आर 2 आर डायरेक्ट लिख देते, ये एक्स की पावर आर है ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस आर बनेगा, ये इनको जोड़ देते हैं 40 माइनस 2 आर माइनस आर, तो ये हुआ 40 माइनस 3 आर। अब ये मैं इंडेक्स ले रहा हूं, एक्स का इंडेक्स क्या 9 हो सकता है? इंडेक्स मतलब पावर, क्या 9 हो सकता है? चलो चलिए देखते हैं इसको। इसका मतलब इसमें आप करिए 3 आर इक्वल टू 40 माइनस 9 यानी कि 31, आर है 31/3। अब ये 31 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब एक्स की पावर 9 कहीं नहीं आएगा इसमें। शो दैट द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 12 डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग एक्स टू द पावर माइनस 1, मतलब एक्स टू द पावर माइनस 1 यानी 1 बाय एक्स ये कहीं नहीं आएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, हम इसका कोई nth टर्म या rth टर्म निकालेंगे और देखेंगे कि भाई 1 बाय एक्स आता है कि नहीं आता है, या एक्स की पावर माइनस वन आता है कि नहीं आता है। तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, पहले मैं टी आर प्लस वन निकाल लेता हूँ, उसका टर्म होगा एन सी आर, एन इसमें 12 है तो 12 सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर यानी कि 12 माइनस आर, और वाई की पावर 1 बाय एक्स की पावर आर। अब इसको भूल जाइए, केवल पावर देखिए, इसको ऐसे रखिए, एक्स की पावर ये होगा स्क्वायर 2 इंटू 12 माइनस आर यानी कि 24 माइनस 2 आर, और ये है ऊपर ले जा रहा हूं मैं x की पावर माइनस आर, इन दोनों को जोड़ दीजिए 24 माइनस 2 आर माइनस आर यानी 24 माइनस 3 आर, ये किसके बराबर आपको बताना है, माइनस 1 के बराबर, क्या है क्या नहीं, माइनस 1 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये मैंने क्या किया, 2 इंटू 12 माइनस आर मतलब 24 माइनस 2 आर, 25 माइनस 2 आर हो गया, और ये आपका एन सी आर एक्स की पावर आर, एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, तो एक्स की पावर आपका हो गया माइनस आर, ठीक 24 माइनस 2 आर माइनस आर, 24 माइनस 3 आर आपका किसके बराबर हो गया, ये माइनस 1, तो आपका 24 इधर प्लस 1 ले आइए, ये हो गया 3 आर। अब आर आ रहा है आपका 25/3, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। इसमें याद ध्यान रखिए, ये x की पावर 24 माइनस आर करेंगे, ये x की पावर 12 नहीं है, ये x की पावर r आएगा, मतलब 1 बाय x की पावर r आएगा। तो इसमें जरा चेंज कर रहा हूँ मैं, ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप माइनस r मानेंगे, 24 माइनस 3 आर हो जाएगा, 24 माइनस 3 आर को माइनस 1 के बराबर करिए, 24 माइनस 3 आर, 24 माइनस 3 आर है, 24 माइनस 3 आर को माइनस 1 के बराबर करिए, 25 को यहाँ ले आइए या 1 को यहाँ ले आइए, तो आप देखेंगे कि ये 25/3 है, इसको मैं 25/3 कर देता हूँ। और ये क्योंकि 25/3 एक फ्रैक्शन है और हम जानते हैं r हमेशा नेचुरल नंबर होता है, इसलिए माइनस 1 की पावर कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म अगर आपको, आप इसको खोलें, ये 20 है तो कितने टर्म होंगे इसमें, जब इसको खोलेंगे तो 21 टर्म होंगे, ये जो n टर्म होता है ना, मतलब अगर x प्लस वाई की पावर n है, इसको जब ओपन करेंगे तो n प्लस 1 टर्म आएंगे, तो n प्लस 1 टर्म मतलब अगर आपका ये n इवन है 20, तो 21 टर्म आएंगे। अब 21 टर्म का मतलब है आपको बीच में एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, यानी n बाय 2 प्लस 1, लेकिन अगर ये इवन आता है तो इवन में तो मिडिल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आपको n प्लस 1 बाय 2 और n प्लस 3 बाय 2 ये दो वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो हमको मिडिल वैल्यू मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि n है 20, तो 20 बाय 2 प्लस 1 ये आपको मिडिल टर्म मिलेगा, यानी 20 बाय 2
प्लस वन हो गया 10 प्लस वन, आपको 11वां टर्म मिल जाएगा। और 11वां को लिखने का तरीका क्या है, आप क्या टी 11 लिखते हैं, और टी 11 तो मिलता नहीं है आपको, आपको टी 10 प्लस वन करना पड़ता है। तो टी 10 प्लस वन करेंगे, ये होगा एनसीआर। अब इसमें आर हो गया 10 और एन है आपका ये 20, एनसीआर यानी 20 सी 10 एक्स की पावर 2/3 एक्स की पावर एन माइनस आर, यानी आप लेंगे एन माइनस आर 20 माइनस 10 को मैं डायरेक्ट एन लिख देता हूं, और माइनस वन की पावर आर भी कर दीजिए यहां पर, ये है आर कितना 10। और अब y की पावर 3/2x की पावर r, r कितना 10, तो ये हो गया। अब इसका इसको कंप्यूट कर लेंगे, है ना, आई होप ये हो जाएगा, 20 सी 10 आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा इसमें। ये आपको बेसिकली इसका मिडिल टर्म निकालना था, 20 सी 10 आएगा आपका। अब इसमें जो अलग अलग सवाल है, इसमें एक इवन ले लेते हैं, एक ऑड ले लेते हैं। वैसे इसमें सारे के सारे मैक्सिमम सारे इवन वाले ही दिए हुए हैं, ये भी जैसे n इक्वल टू 12 है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो इसमें से कोई एक ले लेता हूँ मैं। सॉल्यूशन आपके सामने है ये वाला, और चलिए ये वाला टर्म ले लेते हैं। इसमें क्या है कि n आपका 12 है, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन दिया है वो है a बाय एक्स प्लस बी एक्स की पावर 12, इसका मतलब यह है n तो 12 मिल गया आपको, और आप मिडिल टर्म निकालना चाहते हैं, कुल मिला के कितने टर्म आएंगे इसके, क्योंकि इवन है, इवन है तो सीधा 12/2+1 यानी 6+1 सातवां टर्म आपको मिलेगा। तो आपको टी 7 लेना है, यानी कि टी 6+1 करना है आपको। तो अब आपका r हो गया 6। अब एनसीआर लगाइए, यानी 12c6 एनसीआर x की पावर, यानी ए एक्स की पावर एन माइनस आर 12-6 और y की पावर r बी एक्स की पावर आर 6, ये वैल्यू आ जाएगी। इसे कंप्यूटेशन कर लेंगे आप, ये 6 बनेगा, यहाँ पर कंप्यूटेशन हो जाएगा इसका, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसे भी ऐसे करना है क्योंकि पावर 10 है, तो पावर 10 है इसका मतलब ये है कि n बाय इवन है, n बाय 2 प्लस 1 मिडिल टर्म होगा, यानी 10 बाय 2 प्लस 1 ये होगा 5+1 6 टर्म। तो टी 6 का मतलब होता है टी 5+1 टर्म निकालेंगे आप। टी प्लस 5+1 में क्या करेंगे, एनसीआर आर आपका 5 आ गया, एन आपका 10 है, तो एनसीआर टी 5+1 होगा, अच्छा है माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस 1 की पावर आर कर दीजिए, माइनस 1 की पावर आर और एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर, 10-5 कर देता हूँ, और वाई की पावर आर यानी 2/x की पावर आर 5। ये है सॉल्यूशन, इसका एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। सेम चीज यहां पर है, 10 इसके टर्म है, तो 10/2+1 कर लीजिए जो मिडिल टर्म होगा, n बाय 2+1 तो 5+1, इसमें भी 6 टर्म आ गया, यानी कि टी 5+1 करना है आपको, तो यहां पर टी 5+1 टर्म निकालेंगे, ये है आपके सामने -252 आएगा, क्योंकि सेम एक जैसे हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा पहला ठीक से बताया, बाकी जो है स्किप कर दी। अब यहां जो है ये सारे टर्म यहां पर ऑड पावर्स हैं, इसमें जो भी इसमें चार ऑप्शंस हैं उसमें सारों के जो मिडिल टर्म निकालने हैं, लेकिन पावर इसके ऑड है, तो कैसे करेंगे इसको, एक थोड़ा अच्छे से वाला कर लेते हैं, बाकी हम थोड़ा सरसरी निकाह से देखेंगे। तो यहां पर है 3x-x2/6, इसकी पावर 9 है, तो 9 है इसका मतलब ये ऑड हो गया, तो आपको इसमें दो मिडिल टर्म मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो आपको मिलेगा n प्लस 1/2 और फिर n प्लस 3/2, क्या मिलेगा n प्लस 3/2, तो n प्लस 1 n रखिए यहां पर 9, 9+1/2 और 9+3/2, देखिए क्या मिलता है, 9+1/2 10/2 और 9+3/2 यानी कि 12/2, तो जिससे 2 5 10 और 2 6 12, पांचवा और छठवां टर्म मिलेगा। ये सब आप भूल जाइए, ये सब मत करिए, केवल आपको याद रखना है कि अगर ये ऑड है तो n प्लस 1/2 पहला टर्म होगा और n प्लस 3/2 दूसरा टर्म होगा, बस इतना समझना है। तो अब दो टर्म मिलेंगे इसमें, तो n प्लस 1/2 पांचवा टर्म है,
तो हमको एक तो टी फाइव निकालना है इसमें, टी फाइव के लिए तो टी फाइव टी फोर प्लस वन करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर आर हो गया आपका चार, एन आपका नौ दिया हुआ है, तो एनसीआर यानी नाइन सी फोर एक्स की पावर, अच्छा इसमें माइनस भी है तो माइनस वन की पावर आर भी करनी पड़ेगी, माइनस वन की पावर आर फोर हो गया, एन सी फोर एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर एन माइनस आर यानी नाइन माइनस फोर, और वाई की पावर यानी एक्स क्यूब की पावर सिक्स आर फोर। ये इसको इसको सॉल्व कर लेंगे आप, है ना, ये मैंने यहां पर छोड़ दिया है। अगला टर्म बताता हूं, टी सिक्स है तो टी सिक्स मतलब टी फाइव प्लस वन करना है, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस वन की पावर, अब यहां आर हो गया पांच और एन तो नाइन नाइन बना हुआ है, माइनस वन की पावर क्या करेंगे पांच एनसीआर, तो फाइव सी नाइन सी फाइव एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर नाइन माइनस फाइव यानी कि फोर ही हो जाएगा, और एक्स क्यूब बाय सिक्स की पावर आर यानी कि पांच। तो ये है यहां पर इसका सोल्यूशन सामने है आपके, माइनस ट्वेंटी वन बाय सिक्सटीन एक्स की पावर नाइनटी नाइन है। तो ये जो सारे सवाल हैं इसके बाद जो तीन आ रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे ही है कि आपको इसका मिडिल टर्म निकालना है, लेकिन मिडिल टर्म क्योंकि दो निकलेंगे क्योंकि एन यहां पर सात है तो मिडिल टर्म दो आएंगे, एन प्लस वन बाय टू और एन प्लस थ्री बाय टू, तो एन कितना है सात, सात प्लस वन बाय टू और सात प्लस तीन बाय टू, तो सेवन प्लस वन बाय टू हो गया एट बाय टू यानी कि फोर, सेवन प्लस थ्री हो गया टेन, टेन बाय टू हो गया फाइव, फोर और फाइव टर्म निकालना है। तो आपको टी फोर यानी टी थ्री प्लस वन टर्म निकालना है और टी फाइव यानी कि टी फोर प्लस वन टर्म निकालना है, टी थ्री प्लस वन इतना आएगा और टी फोर प्लस वन इतना आएगा। यहां पर भी इसी तरीके से है, आई होप कि ये हो जाएगा, मैं बता देता हूं कैसे आएगा, ये टर्म कैसे निकलेगा, पंद्रह इसमें एन है, इवन है या ऑड है, ऑड है सीधा एन प्लस वन बाय टू टर्म, एन प्लस थ्री बाय टू, तो पंद्रह प्लस एक बटे दो ये हो गया पंद्रह प्लस तीन बटे दो, ये पंद्रह प्लस एक हो गया सोलह, सोलह बटे दो हो गया आठ नहीं फिफ्टीन सिक्सटीन 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 बाई टू एट हो गया, फिफ्टीन प्लस थ्री बाय टू हो गया एटीन, एटीन बाई टू हो गया नाइन, एट और नाइन टर्म निकालना है, आठ और नौ, तो टी आठ और टी नौ यानी कि आपको निकालना है टी सेवन प्लस वन सातवां टर्म, और ये आएगा आपका टी एट प्लस वन, तो सातवां और आठवां बेसिकली निकालना है, ये टर्म आ जाएगी आपकी। यहां पर भी कुछ इसी तरीके से है, ग्यारह है तो क्योंकि एन जो है वो ऑड है, ग्यारह है तो ग्यारह प्लस एक बटे दो और 11 प्लस तीन बटे दो, ग्यारह प्लस एक कितना होता है बारह, बारह बाई दो हो गया छः, और 11 प्लस तीन होता है चौदह, चौदह बटे दो हो गया सात, छठवां और सातवां टर्म आएगा इसमें, तो टी सिक्स यानी कि टी फाइव प्लस वन निकालना है और टी सेवन यानी कि टी सिक्स प्लस वन टर्म निकालना है, तो पांचवा और छठवां, ये पांचवा टर्म इस तरीके से आएगा, छठवा ही आएगा। यहां पर है आपका फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब x माइनस वन बाय एक्स की पावर टेन ये हम काफी देख चुके, इसका मतलब हम जानते हैं कि जब ये इवन होता है, अगर इवन होता है तो सीधा n बाय टू प्लस वन टर्म जो होता है मिडिल टर्म हो जाएगा। n कितना है इसमें 10 है, दस बटे दो प्लस वन होगा फाइव प्लस वन सिक्स टर्म होगा, तो सिक्स निकालने के लिए टी सिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे टी फाइव प्लस वन, इसमें r हो गया पांच एन हो गया आपका दस एनसीआर, एनसीआर हो गया टेन सी फाइव एक्स के, अच्छा माइनस भी है तो माइनस वन की पावर आर करना पड़ेगा, माइनस वन की पावर पांच टेन सी आर टेन सी फाइव, अब एक्स की पावर एन माइनस आर टेन माइनस फाइव फाइव हो गया, वाई की पावर आर यानी कि वाई की पावर हो गया आपका पांच, ये है संख्या माइनस टू फिफ्टी टू आएगा इसका। यहां पर क्या करेंगे माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन, इसको मैं ऐसे लिखता हूं वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन, और ये क्या है ये है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, करके देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एक्स, यही तो है ये, तो वन माइनस एक्स की पावर स्क्वायर है और ये क्या है पूरा इसकी पावर एन है, तो ये इसका मतलब यह है वन माइनस एक्स स्क्वायर या टू एन कर दीजिए पावर टू और एन टू एन,
तो 2n टर्म्स, अच्छा 2n क्या होता है, ये तो इवन है, तो मिडिल टर्म क्या होगा इसमें, 2n बाय 2 प्लस 1, तो ये हो गया n प्लस 1। तो हमको tn प्लस 1 टर्म निकालना है, tn प्लस 1 टर्म निकालना है, यानी कि n, आपको ये r जो है वो n मिल गया, और ये हो गया 2n, और n हो गया 2n, तो आपको क्या करना है, ncr यानी कि 2ncn, ncr x की पावर, अच्छा इसमें माइनस है ना, तो माइनस 1 की पावर r भी कर दीजिए, यहाँ लिख देते हैं माइनस 1 की पावर r, ncr x की पावर n माइनस r, तो x तो 1 ही है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, y, y की पावर r, r कितना है, तो ये हो गया 2ncn x की पावर n, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2n माइनस n हो जाएगा फैक्टोरियल n, और ये माइनस 1 की पावर n तो है ही, x की पावर n, उत्तर में जैसे दिया वैसे लिख देता हूँ मैं, फैक्टोरियल 2n, और ये हो गया फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर n और x की पावर n, ये इसका उत्तर है। सेम चीज यहाँ होगी, क्यों, क्योंकि ये जो टर्म देख रहे हैं आप, ये 1 प्लस x की पावर क्यूब है, ये 1 प्लस x की पावर क्यूब है ये, तो 1 की पावर x क्यूब और उसकी पावर 2n है, तो 2 इंटू 2n कर दीजिए, तो ये हो गया 6n, तो 1 प्लस x की पावर 6n का मतलब है, ये 6n मतलब क्या है, इसमें 2 आ रहा है, देख रहे हैं आप 2 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन टर्म है, 6n 2 इवन है, तो सीधा आप 6n लीजिए इसको। अब 6n में अगर आप मिडिल टर्म निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 6n बाय 2 प्लस 1, तो 2 3 3n प्लस 1, 3n प्लस 1, तो 6n 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 आ गया, तो आपको t 3n प्लस 1 निकालना है, इसमें r हो गया आपका 3n और n कितना हुआ 6n, यहाँ पर लगा दीजिए ncr, अच्छा प्लस में है तो कोई माइनस का चक्कर नहीं है, ncr यानी 6n c3n x की पावर n माइनस r, उसको तो छोड़ दीजिए 1 है वो, और y, y की पावर r, r कितना है 3n, बस यही उत्तर है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये 6 फैक्टोरियल 6n बाय फैक्टोरियल 3n 3n, तो फैक्टोरियल 3n का होल स्क्वायर कर देते हैं, x की पावर 3n, ये आ जाएगा इसका उत्तर। फिर है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 की पावर 9, तो इसमें इसको हम, मैं आंसर बस बता दे रहा हूँ क्योंकि हम सवाल देख चुके हैं कई बार, 9 है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टर्म आएगा, क्योंकि 9 है या ऑड है, जब भी हम ऑड लेते हैं यहाँ पर, जैसे ही आपका ऑड आ गया इसका मतलब ये है कि 9 प्लस 1 बाय 2 एक टर्म होगा, 9 प्लस 3 बाय 2 एक टर्म होगा जो मिडिल टर्म होगा, तो 9 प्लस 1 बाय 2 10 बाय 2 यानी 5 और ये 12 बाय 2 यानी कि 6, तो t5 यानी कि t4 प्लस 1 निकालना है आपको, और t6 यानी t5 प्लस 1 निकालना है, यहाँ पर आप r लेंगे 4, यहाँ लेंगे r 5 और दोनों जगह आप n लेंगे 9 और फिर आपको ये टर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट है x माइनस 1 बाय x की पावर 2n प्लस 1, ध्यान रहे कि 2n प्लस 1 जो है वो ऑड होता है, जैसे ही आपको ऑड मिलता है इसका मतलब क्या है, ऑड मतलब सीधी मतलब है कि 2n प्लस 1 बाय 2n प्लस 1, ये जो 2n प्लस 1 है इसको प्लस 1 प्लस 1 करिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, और 2n प्लस 1 ये जो टर्म है इसमें 3 जोड़िए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, दो मिडिल टर्म मिलेंगे इसमें, कौन कौन सा आएगा, 2n प्लस 2 बाय 2 यानी कि 2 कॉमन ले लीजिए तो n प्लस 1 आ जाएगा, इसमें मिलेगा 2n प्लस 4 बाय 2, 2 कॉमन ले लीजिए 2 कट जाएगा, n प्लस 2 बनेगा, तो n प्लस 1 और n प्लस 2 यानी टी एन प्लस 1 चाहिए आपको और टी एन प्लस 2 चाहिए आपको, मतलब r हो गया यहाँ पर n, r हो गया यहाँ पर भी, यहाँ होगा n प्लस 2, तो n प्लस 1 प्लस 1 करेंगे इसको, r हो गया यहाँ पर n प्लस 1, ये r यहाँ पर n, यहाँ पर r हो गया n प्लस 1 और दोनों जगह पे n तो खैर 2n प्लस 1 है ही, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे मैं यही बता देता हूँ आपको, सीधा यहाँ पर n लेंगे माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस 1 की पावर n और n c n c r यानी कि 2n प्लस 1 c r, x की पावर n माइनस r यानी कि 2n प्लस 1 माइनस n और 1 बाय x की पावर r n, 2nc 0
और ये x की पावर क्या बनेगा आपका 2n प्लस 1 माइनस n, आपको याद है 2n प्लस 1 माइनस n क्या था, 2n माइनस n होता है n, तो n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर x की पावर n प्लस 1। अब x की पावर n प्लस 1 आ गया और x की पावर यहाँ पर नीचे n है, मैं इसको ऐसे बताऊँ, यहाँ पर है x की पावर n माइनस r, तो x की पावर n माइनस r यानी कि 2n प्लस 1 माइनस n, लेकिन ये भी तो है x की पावर n, तो ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस n बनेगा, तो माइनस n और जोड़ दीजिए इसमें, तो ये कैंसिल हो गया, आपका केवल x बचेगा यहाँ पर, ओनली x, 2n c n और x। इसी तरीके से यहाँ पर आइए, यहाँ पर आएगा माइनस 1 की पावर n प्लस 1 यानी कि ये माइनस 1 की पावर r और n c r यानी कि 2n प्लस 1 c r, इस बार 2n प्लस 1 लेंगे, और x की पावर n माइनस r यानी कि इस बार लेंगे n प्लस 1 माइनस n c r, n प्लस 1 टर्म है और r कितना है इसमें n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, ये हो गया, और यहाँ पर है आपका x की पावर, यहाँ पर हो गया 1 बाय x की पावर n प्लस 1, ये तो खैर हटाई दीजिए और x की पावर 0 यहाँ पर हटी जाएगी, ठीक, क्योंकि 2n, अच्छा 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 टर्म है, सॉरी 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 हटा दीजिए, 2n माइनस n n हो जाएगा, ये हो गया x की पावर n, लेकिन आप देखिए ये भी तो है 1 बाय x की पावर n प्लस 1, तो ऊपर जब जाएगा ये x की पावर माइनस n माइनस 1 बनेगा, तो n माइनस n माइनस 1, तो x की पावर माइनस 1 बना, तो 1 बाय x, 1 बाय x बनेगा इसका, बाकी 2n प्लस 1 cn रहेगा, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 रहेगा। ये वाला टर्म है आपके पास 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6। अब इसमें क्या है कि ये है ऑड, सीधा ऑड है, इसका मतलब ये 7 ऑड है, तो आपको क्या करना है 7 प्लस 1 बाय 2 करना है, और 7 प्लस 3 बाय 2 इसका मिडिल टर्म होगा, 7 प्लस 1 हो गया 8, 8 बाय 2 4, और 7 प्लस 3 10, 10 बाय 2 हो गया 5, तो आपको टी 4 यानी कि टी 3 प्लस 1 करना है, और यहाँ पर टी 5 यानी कि टी 4 प्लस 1 करना है, तो ये यहाँ पर r आपको 3 लेना है, n आपके पास 7 है, यहाँ पर r आपको 4 लेना है, n आपके पास 7 है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पर हमने इनको यहाँ पर 3 लेना है और यहाँ पर आपको 4 लेना है, और बस ये वाला क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस 1 की पावर r n c r, x की पावर n माइनस r, y की पावर r, इस तरह ये भी टर्म करेंगे तो आपके ये रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट वाला जो है इसमें ये वाला जो टर्म है इसको हम ये बेसिकली उसका सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, तो इसको किया जाए, एनसीईआरटी का है तो इसको किया जाए, तो एक्स बाई थ्री प्लस नाइन वाई की पावर टेन है, अच्छा ये इवन है, इसका मतलब एक ही मिडिल टर्म आएगा इसमें, इवन है ना, तो एन बाय टू प्लस वन, आप खुद ही सोचिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, याद भी ना आ रहा हो चाहे एग्जाम के समय कि भाई इवन ऑड में कितना करते हैं, तो आप उसको डिवाइड करके देख लीजिए, 10 प्लस 1 बाय 2 अगर आप करेंगे, अगर आप इसको ऐसा करने की कोशिश करते हैं, मान के चलते हैं कि भाई दो मिडिल टर्म आएंगे और 10 प्लस 3 बाय 2 करके देखते हैं, तो ये 11 बटे 2 आएगा, ये 5.5 है, ये तो कभी नहीं आ सकता ना, 5.5 कौन सा टर्म होता है, तो यहीं पर गलत हो जाएगा मामला, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये इसके दो मिडिल टर्म नहीं होंगे, करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर 10 है 10 बाय 2 प्लस 1 करिए, अब 10 बाय 2 में तो सीधा 2 से 10 2 10 को डिवाइड कर रहा है, तो ये फायदा है कि यहाँ से क्लियर पता चल जाता है कि 5 प्लस 1 यानी कि जो छठवां टर्म है वो आपका आने वाला है, छठवां टर्म क्या होगा t 5 प्लस 1 ये होगा ना, अब इसमें r लेंगे आप 5, n आपको दिया हुआ है 10, माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है नहीं यहाँ पर, तो एन सी आर यानी कि 10 सी आर x की पावर यानी x बाय 3 की पावर n माइनस r, 10 माइनस 5 यानी कि 5, y की पावर r, 9 y की पावर r 5, 10 सी 5 है, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 5 5, ये हो गया x की पावर 5 अलग कर दीजिए, y की पावर 5 अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा y 9 की पावर 5 बाय 3 की पावर 5, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 61236 आ जाएगा, एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए थोड़ा इसको करना जरूरी है। नेक्स्ट वाले में है आपको मिडिल टर्म निकालना है, और सवाल जो है इसमें क्योंकि ये सवाल इसमें कई एडिशन में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ऐसा है 2ax और माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर, इसकी पावर आपको दी है 12, तो क्योंकि ये
सीधा आपको इवन मिल रहा है तो 12 बाय 2 प्लस 1 कर दीजिए, तो 6 प्लस 1 यानी कि 7 टर्म आपको चाहिए, तो टी 6 प्लस 1 करेंगे इसमें, आर हो गया आपका 6, एन हो गया आपका 12। अच्छा इसमें माइनस 1 की पावर आर कर दीजिए पहले 6, और 2 ए एक्स की पावर एन माइनस आर, पहले एन सी आर कर लिए 12 सी 6, 2 ए एक्स की पावर एन माइनस आर, 12 माइनस 6 6 हो गया, और एक्स की पावर आर मतलब ये y की पावर r b बाय एक्स स्क्वायर की पावर r यानी कि 6। ये है आपके सामने, ये बिल्कुल सेम सॉल्यूशन करना है, इमीडिएट आ जाएगा आपका। एक और इसमें जो सवाल है वो भी, ये भी आपके कई एडिशन में नहीं दिया हुआ है तो इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि ये पावर 9 है और टर्म दिया है आपको p बाय एक्स प्लस एक्स बाय p, ये तो क्योंकि 9 है इसका मतलब 9 बाई 2 तो कर नहीं पाएंगे आप, है ना, 9 बाई 2 प्लस 1 तो कर नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये अगर ऑड है तो आपको 9 प्लस 1 बाय 2 और 9 प्लस 3 बाय 2 ये तो दो आपको मिडिल टर्म मिलेंगे, तो 10 बाय 2 हो गया 5, ये हो गया 12 बाय 2 यानी कि 6, तो टी 5 टी 4 प्लस 1, टी 6 यानी टी 5 प्लस 1, इसमें आर ले लीजिए आप 4, इसमें आर ले लीजिए 5, दोनों में एन जो है आपको मिलेगा 9 और एन मिलेगा 9। अब कर लेंगे सीधा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, इस तरीके से एन सी आर एक्स की पावर आर एन वाई की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये दोनों टर्म आएंगे आपके। इसमें जो टर्म है वो इस तरीके से है, एक्स बाय ए माइनस ए बाय एक्स, और इसकी पावर आपको दी है 10, क्योंकि 10 दिख रहा है तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि इवन है तो 10 बाय 2 प्लस 1 आपका टर्म मिडिल टर्म होगा, तो ये 5 प्लस 1 यानी कि 6 टर्म मिडिल होगा, उसको लिखना पड़ेगा t 5 प्लस 1, तो r इसमें लेंगे 5 और n लेंगे इसमें 10, तो माइनस 1 की पावर क्या आएगा r 5, x बाय a की पावर पहले ncr कर देते हैं, ncr ncr क्या होगा 10c5, x की पावर n माइनस r, 10 माइनस 5 5 हो गया, और y की पावर r, r क्या है इसमें, ये है माइनस 252 आएगा इसका। जो अगला सवाल है इसमें करीबन 10 सवाल है, और फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो पहला मैं आपको ठीक से बताता हूं, बाकी जैसे जरूरत होगी उस तरीके से देखेंगे, और जो इसी तरीके के सवाल होंगे उनको हम स्किप करेंगे। तो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है 3 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय 3x, इसकी पावर 9 है, तो ऐसा टर्म जिसमें x ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, मतलब इसको कहेंगे कि भाई हम टी आर प्लस 1 या टी आर टर्म ले रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो जो x की पावर आएगी उसको हम जीरो कर देंगे, उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, यही तरीका होगा सब में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर एट टर्म है तो एन सी आर, अच्छा माइनस माइनस है यहाँ पे तो माइनस 1 की पावर आप आर कर लीजिए, माइनस 1 की पावर आर हो गया एक्स यानी 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस आर, एन इसमें 9 है, 9 माइनस आर और वाई की पावर आर, क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, जिसको 1 बाय 3 एक्स की पावर हम करेंगे आर। अब जो कोएफिशिएंट है वो हम आगे कर लेंगे, बाकी एक्स वाले टर्म एक साथ मिला लेंगे, फिर 3 बाई 2 की पावर एन बाय 3 बाई 2 की पावर एन 9 माइनस आर है, ये हो गया आपका एक्स की पावर, ये 2 इंटू 9 माइनस आर है, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं 18 माइनस 2 आर, और ये है 1 बाय 3 की पावर आर, और यहां पर हो गया एक्स की पावर, ये 1 बाय एक्स की पावर आर हुआ ना ये, और ये ऊपर आएगा तो एक्स की पावर माइनस आर 18 माइनस 2 आर, और इसके इससे मिलेगा आपको एक्स की पावर माइनस आर 18 माइनस 2 आर माइनस आर, ये कितना बनता है एक्स की पावर 2 आर माइनस आर बना 18 माइनस 3 आर। अब एक्स की जो पावर है मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ही वाला टर्म, इसका मतलब एक्स जीरो होगा, तो हम इसको इक्वेट कर दें 18 माइनस 3 आर इक्वल टू 0, 3 आर इक्वल टू 18, तो आर कितना हो गया 18 बाय 3 6,
आर सिक्स हो गया, बस जब ये आर ए सिक्स आ जाए तो अब ये वाले से आपको मतलब होना चाहिए। अब पहले x से मतलब था केवल, ये वाला यहाँ तक और फिर ये, तो ये माइनस वन की पावर हम रखेंगे 6 और 3 बाय टू की पावर 9 माइनस सिक्स, आर की जगह 6 रख रहा हूँ मैं, और फिर यहाँ 1 बाय थ्री की पावर r, तो ये हो गया 3 की पावर 6। तो कितना बनता है, माइनस वन की पावर 6 इवन है तो प्लस हो जाएगा, ये है 3 की पावर 9 माइनस सिक्स 3 होता है, तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 1 बाय 3 की पावर 6, ये बन गया, क्या क्या बना, 3 बाय 2 इसकी पावर 6 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ रह गई, वह है NCR, यानी कि 9C6, तो ये बनेगा 3 की पावर 3, तो 9C6 बाय 2 क्यूब इंटू 3 की पावर आपका 3 है, उसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 7/18। तो ऐसे आप बाकी क्वेश्चन करेंगे, ये है आपके सामने, इसमें nth टर्म निकालिए और उसके बाद उसको जो एक्सी पावर है उसको जीरो रख दीजिए, तो आपका ये टर्म आएगा, ये भी कुछ इसी तरीके से है, 3x माइनस 2 बाय x स्क्वायर की पावर 15। एनसीआर यानी टी आर प्लस वन टर्म निकालिए, जो भी x की पावर आएगी यहाँ पर उसको जीरो कर दीजिए, तो जो r मिल जाएगा उसको वापस इसमें रखिए, और ये जो कॉफिशेंट है यही इसका आंसर है। अब है रूट, ये रूट वाला सवाल है तो इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, टी आर प्लस वन ले लीजिए टर्म, एन सी आर, एन है इसमें 10, तो 10 सी आर, ये एक्स की पावर, तो इसमें एक्स बाय 3 है ना ये, और रूट है तो इसको पावर हाफ कर दीजिए, इसकी पावर एन माइनस आर, 10 माइनस आर, माइनस वन का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्लस में है, तो एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर, वाई क्या है ये, इसकी पावर आर। अब क्या करेंगे, वाले टर्म एक साथ ले आइए, एक्स वाले टर्म एक साथ ले आइए, मतलब कोएफिशिएंट अलग ले आइए, टेन सी आर, ये हुआ, अब मैं केवल थ्री को देख रहा हूँ, ठीक, तो ये थ्री की पावर टू है और टू इंटू 10 माइनस आर, मतलब 20 माइनस आर, थ्री के लिए 20 माइनस आर हो गया, अब ये थ्री का हो गया, अब यहाँ थ्री है, थ्री की पावर आर, और यहाँ टू है, टू की पावर आर। अब आइए एक्स पे, ये है एक्स की पावर हाफ है ना, उसकी पावर 10 माइनस आर, और यहां बनता है एक्स स्क्वायर उसकी पावर आर, तो यहां पर क्या बना, मैं केवल इंडेक्स लिख रहा हूं, केवल इंडेक्स, केवल पावर लिख रहा हूं, 10 माइनस आर बाय 2, और ये है एक्स की पावर 2r, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2r बनेगा, माइनस 2r ये बनेगा, बना 10 माइनस आर माइनस 4r बाय 2। अब ये जो टर्म है ये आपका क्या है, x की पावर 0, मतलब ये 0 है, तो 10 माइनस 5r इक्वल टू, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 आ जाएगा, तो 5r हो गया आपका 10, r आपका हो गया 2, तो r 2 आ गया, अब यहां रख देंगे इसको, तो ये बनेगा 10cr, मतलब 10c2, यहां पर आएगा 3 की पावर 20 माइनस आर, 20 माइनस 2 होता 18, और ये होगा 3 की पावर r यानी कि 2, और 2 की पावर r यानी कि 2 की पावर 2, ये इसको कर दीजिए 16, तो 10c2 बाय 3 की पावर 16 इंटू 2 स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आई होप दैट विल बी एबल टू सॉल्व इट, 10cr, तो ये 5/4 आएगा। ये भी कुछ इसी तरीके का सवाल है, लेकिन बस इसमें ये है कि 3n दिया हुआ है, तो इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या है कि टी आर प्लस वन टर्म निकाल लीजिए, एन सी आर, 3ncr, x की पावर, अच्छा माइनस वन की पावर r कर दीजिए, 3ncr, x की पावर n माइनस आर, यानी 3n माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो 3n है, n 3n है ये, x की पावर 3n माइनस आर, और y की पावर आर, ये बनेगा माइनस वन की पावर आर, 3ncr, ये हुआ x की पावर 3n माइनस आर, और नीचे का बना आपका x की पावर
टू इंटू आर, टू आर, इसको ऊपर ले जाइए तो बनेगा थ्री। अब मैं केवल इंडेक्स लिख रहा हूँ, माइनस थ्री एन माइनस आर माइनस टू आर, और ये बराबर आपको जीरो रखना है क्योंकि एक्स की पावर जीरो से इक्वेट करना है इसको। थ्री एन हो जाएगा थ्री आर के बराबर, तो आर कितना हो गया एन के बराबर, आर और एन बराबर होगा। अब इसमें रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर आर माइनस वन की पावर एन, क्योंकि आर एन के बराबर आ गया एन, और थ्री एन सी आर कितना आ गया आपका एन, थ्री एन सी एन। इसका उत्तर है, चाहे तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं, फैक्टोरियल थ्री एन बाय फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल थ्री एन माइनस एन यानी टू एन, ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर है हाफ एक्स की पावर वन बाय थ्री प्लस हाफ एक्स टू द पावर माइनस वन बाय फाइव, इसकी पावर आठ है, ठीक। तो इसको मैं यही बता देता हूं आपको, इसमें क्या करेंगे, सीधा टर्म है आपका टी आर प्लस वन, मानिए ये होगा एन एट है, तो एट सी आर, इस पहले टर्म की पावर है एट माइनस आर और दूसरे टर्म की पावर आर। तो सबसे पहले जो टर्म है उनको अलग कर लीजिए, जैसे एट सी आर है हाफ की पावर एट माइनस आर है, ये अलग कर लिया, और अब एक्स को अलग कर लीजिए। जैसे ये यहाँ पर आपको यहाँ मिला एक्स की पावर वन बाय थ्री, तो एक्स की पावर वन बाय थ्री की पावर एट माइनस आर, तो ये एट माइनस माइनस आर बाय थ्री हो गया। यहाँ पर एक्स की पावर माइनस वन बाय फाइव है, इसको नीचे कर लीजिए, एक्स की पावर वन बाय फाइव की इंटू आर होता है आर बाय फाइव, तो ये एट बाय आर एट माइनस आर बाय थ्री, और ये ऊपर ये आर बाय फाइव है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस आर बाय फाइव बनेगा, तो अल्टीमेटली एट माइनस आर बाय थ्री माइनस आर बाय फाइव। तो उसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा फोर्टी, फाइव इज अ फोर्टी, फोर्टी माइनस फाइव आर, और ये थ्री आर बाय फाइव थ्री इज अ फिफ्टीन, तो ये बनेगा फोर्टी माइनस एट आर बाय फिफ्टीन। तो फोर्टी माइनस एट आर बाय फिफ्टीन जो है वो जीरो होना चाहिए, तो फोर्टी माइनस एट आर बाय फिफ्टीन को जीरो करेंगे तो ये आर पाँच आ जाएगा। बस यहाँ पाँच रख दीजिए, यहाँ जो है ये जो आपकी संख्या आई थी ना यहाँ पर इस जगह पे, और ये हाफ भी है, ध्यान रखिए ये हाफ यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, ये एट सी आर के बाद यहाँ हाफ की पावर एट माइनस आर, बस एट सी आर हाफ की पावर क्या करेंगे वन बाय थ्री है, ये आप एट माइनस आर कर दीजिए, बस यही इसका उत्तर है। तो फिफ्टी सिक्स एट सी आर यानी एट सी फाइव, फिफ्टी सिक्स हो गया हाफ की पावर, ये थ्री है, थ्री है थ्री कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा, ये एट माइनस फाइव क्या हुआ एन माइनस आर है ना, उसको मैं समझाता हूँ, ये आर फाइव है, यहाँ पर क्या लिखेंगे एट माइनस फाइव, एट माइनस फाइव, और ये हाफ की पावर वन बाय थ्री है, हाफ की पावर वन बाय थ्री और उसकी पावर, हाफ की पावर वन बाय थ्री और उसकी उसकी पावर नहीं है, हाफ एक्स की पावर थ्री है, जैसा है हाफ इंटू एक्स की पावर वन बाय थ्री, हाफ की पावर नहीं है, तो हाफ हाफ के ऊपर सीधा आपको थ्री मिलेगा एट माइनस फाइव, तो हाफ की पावर थ्री हो गया। ये 56 है, इनको बड़ी ट्राई कर लीजिए, सेवन आ जाएगा, सेवन इंटू 56 सात हो गया इसका उत्तर। अब यहां पर थोड़ा इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ये सवाल हम पहले भी देख चुके हैं, इसको कैसे करते हैं, यहां पर क्या करना होगा आपको कि वन प्लस टू एक्स, वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स क्यूब तो वैसे ही है, लेकिन ये इसकी पावर नाइन है। अब हमको वो सारे टर्म निकालने हैं इसमें जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स की पावर जीरो आना चाहिए, एक्स नहीं आना चाहिए इसमें, राइट। तो हम क्या करेंगे, थ्री बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री एक्स बाय पावर नाइन को खोलेंगे। अब इसको यहां खोल दिया, ये आ रहा इसको खोल दिया, तो ये आएगा एन सी जीरो इसकी पावर नाइन, और ये भी नहीं रहेगा, फिर माइनस अल्टरनेटिवली माइनस प्लस चलेगा क्योंकि माइनस है ना, तो अब आएगा नाइन सी वन इसकी पावर एट, और अब ये आ गया वन बाय थ्री एक्स, फिर ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अब आपको देखना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर x की पावर जीरो आ रहा है। तो देखिए पहले वन को अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं, वन को अगर वन से देखते हैं, वन को किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां पर इस जगह पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, x की पावर कितनी दिख रही है, x की पावर टू और उसकी पावर नाइन, x की पावर अठारह है, ऐसी आप आगे बढ़ते रहिए यहां तक। किस जगह पे आपको ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल रहा है, किस जगह पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल रहा है, तो एक टर्म यहां पर आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए, वाला 96 आएगा, इसको आप ऊपर ओपन करिएगा पूरा का पूरा, ये जो 96 है यहां पर देखिए, ये है 3 बाय टू एक्स स्क्वायर की पावर 3 यानी एक्स सिक्स, और ये 1 बाय थ्री और 3 की पावर 6, और ये है x की पावर 6, ये कैंसिल है, तो यहां ये जो टर्म है यहां पर कोई भी x नहीं है, तो इस टर्म को और इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बगैर x का मिल जाएगा, यहां तक ठीक। तो हमने वन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां लिख दिया।
अब है हम एक्स पे, तो एक्स पे हमें एक्स, क्योंकि ऑलरेडी एक्स है तो कोई भी किसी से भी मल्टीप्लाई करें कम से कम एक एक्स तो मिलेगा आपको, और ऐसा हमें कोई टर्म इसमें नहीं मिल रहा है कि एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई ऐसा टर्म मिल जाए। अब आइए एक्स क्यूब पे, एक्स क्यूब यहाँ पर टू एक्स क्यूब जब है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाला सातवां टर्म ध्यान से देखिए, इसमें यह है कि बाकी सब तो ठीक है, 9c7 वगैरह 3/2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, ये x की पावर 4 हो गया, ये वाला x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 1/3 की पावर 7 और x की पावर 7। अब यहां पर क्या है, ये x क्यूब है x 4 है, यानी कि x की पावर 7 ऊपर हो गया और नीचे x की पावर 7 है, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि यहां पर कोई भी टर्म नहीं है जो आपको, क्योंकि यहां ये जो x क्यूब है जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जब x क्यूब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कोई भी x की पावर 0 मिल रहा है, मतलब कोई भी टर्म नहीं है x का, तो x के लिए तो कोई भी टर्म नहीं मिला हमें, लेकिन x 2x क्यूब के लिए जरूर ये मिल गया, तो और ये माइनस में भी है ध्यान रखिए। तो क्या करेंगे, 1 इंटू दिस टर्म, ये वाला टर्म माइनस, क्योंकि माइनस यहां पर माइनस 2x क्यूब इंटू 9c7 वाला टर्म यहां पर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब x को आपको चिंता नहीं करनी, x को भूल जाइए क्योंकि x है ही नहीं इसमें, x की पावर 0 ही तो करनी है। आप इसके कोफिशियंट पे ध्यान रखिए, 9c6 3 क्यूब बाय 2 क्यूब और 3 की पावर 6, ये इसको आप हटा ही दीजिए, ये x क्यूब हटा दीजिए, यहाँ पर 9c7 3 क्यूब बाय 2 क्यूब 3 की पावर 7 x, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 17/54 आएगा। लॉजिक इस क्वेश्चन का कितना है? इतना यही है कि हर टर्म को आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कब हमको x की पावर 0 मिलती है। x के साथ हमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं मिल रहा है, एक भी टर्म ऐसा नहीं मिला जिसमें x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 0 मिलेगा, इसलिए x आ नहीं रहा है इसमें। ओके, अब है थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 थर्ड रूट ऑफ एक्स। अब इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है, मैं आपको बस इसको खोल के दिखा देता हूं, बाकी सब सेम रहेगा। ये एक्स थर्ड रूट है, एक्स है, इसको एक्स की पावर 1/3 रखिए, बस इतना करना है आपको, प्लस 1/ ये ट्वाइस है, और ये थर्ड रूट को आप एक्स की पावर 1/3 करिए बस, और ये 18 है। ओके, तो अब ये एनसीआर इसकी पावर 18 r, तो इसलिए मैंने x की पावर 1/3 कर दिया इसको, NCR पहले टर्म की पावर 18 r और दूसरे टर्म की पावर r, तो ये कितना हुआ x की पावर 18 r/3, ये x की पावर 18 r/3, यहां से क्या मिला, x की पावर 1/3 था r है, तो x की पावर r/3, ये जब ऊपर जाएगा तो 18 r/3 r/3, तो 18 r/3 r/3 मिलेगा आपको, तो 18 r/3 और -r/3 हो गया 18 2r/3, ये बराबर 0 हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, तो 18 हो गया बराबर 2r, r आपका 9 मिल गया। इन सारी जगह पे यहाँ पर जहाँ जहाँ r दिख रहा है वहाँ पर आप रख दीजिए 9, आपको ये टर्म मिल जाएगा, ये वाला 18c9/2 की पावर 9। अब ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी का है, 3/2x² - 1/3x की पावर 6, तो इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले tr+1 टर्म ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3/-1 की पावर r और ncr 6cr और 3x² / 2 की पावर n-r और y की पावर r, और इसमें x वाले टर्म एक साथ कर लीजिए, बाकी कोफिशिएंट इधर उधर एक साइड कर लीजिए, तो -1 की पावर r हो गया, ये 6cr हो गया, यहां पर 3/2 की पावर 6 - r मैंने अलग से लिख दिया, और ये x² की पावर 6 - r अलग से लिख दिया, नीचे आपका है ये 3 की पावर r, तो यहाँ पर 3 की पावर अलग से लिख दिया, और यहाँ पर हुआ x की पावर r। ठीक, अब ये x² की पावर 6 - r यानी कि x की पावर 12 - r हो गया ये, और यहाँ पर ये ऊपर जाएगा x की पावर 12 - 2r है, और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर - r हो गया, इनको जोड़िए 12 - 2r - r हो गया 12 - 3r, और इसको बराबर कर दीजिए 0 के, तो आपको 3 मिल जाएगा, r मिल जाएगा इससे, और 3 4 12 4 मिल गया, बस r 4 रख दीजिए, आपको चाहिए t4+1 टर्म, यानी कि t5th टर्म चाहिए, यहाँ पर रख दीजिए -1 की पावर 2 6c4 और यहाँ पर 3/2 की पावर 6 - r, तो 3/2 की पावर 6 - 4 हो गया स्क्वायर, नीचे यहाँ पर 3 की पावर r बन रही है, ये बन गया 3 की पावर 4, ठीक है, और 4 इसको सॉल्व करेंगे तो 5/12 आएगा आपका x की पावर 0। इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ 2r + 4th टर्म
एंड आर माइनस टू एथ टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर 18 आर इक्वल फाइंड दी आर कोएफिशिएंट बराबर है आपको आर निकालना तो हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट निकालेंगे जैसे अगर आपको टी इफ द कोएफिशिएंट ऑफ टी टू आर प्लस फोर एथ टर्म लिखा है तो इसका मतलब क्या है आप कह रहे हैं टी 24 प्लस 2R प्लस 4th टर्म है इसका मतलब क्या हुआ आपको चाहिए T 2R प्लस 3 प्लस 1 टर्म हमेशा TR प्लस 1 होता है ये है ना हमेशा प्लस 1 होता है तो ये टर्म क्या है NCR NCR N कितना है इसमें ये 1 प्लस x की पावर 18 है N इसमें 18 तो NCR 18CR और वन की पावर वन को छोड़ देता हूँ मैं वन की पावर आपकी एन माइनस आ जाएगा वाई लिखते हैं एक्स लेते हैं एक्स की पावर आर आर कितना है टू आर प्लस थ्री अभी मैं इसको लिखता हूँ ये हो गया अब जो ये वाला टर्म है दूसरा वाला टर्म वो कौन सा है टी आर माइनस टू तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा हमको लिखना पड़ेगा टी आर प्लस वन और ये करेंगे तो r माइनस टू आने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस थ्री करना पड़ेगा आपको तो टी आर प्लस वन ये सॉरी यहां वन आना चाहिए r माइनस टू और यहां पर क्या करेंगे हम हमको प्लस वन चाहिए तो प्लस वन के लिए हमको ये r माइनस थ्री करना पड़ेगा तो इसको हम लिखेंगे टी r माइनस थ्री प्लस वन तो आपको r माइनस थ्री टर्म चाहिए ये हो जाएगा आपका एन सी आर यानी 18C अब डायरेक्ट आर लिख देता हूं आर प्लस थ्री एक्स की पावर वन तो हट जाएगा वन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वन ही आएगा जो भी करेंगे एक्स की पावर आर आर प्लस थ्री एक्स की पावर आर प्लस थ्री अब इसमें देखें ये जो इसका कोएफिशिएंट बराबर बताया गया है तो ये हो जाएगा 18C टू आर प्लस थ्री और यह है 18C आर प्लस थ्री ये बराबर बता गए इसका मतलब क्या हुआ आपको याद है अगर एन सी एक्स और एन सी वाई बराबर होते हैं अगर एन सी एक्स और एन सी ये बराबर होते हैं इसका मतलब ये है इसको और इसको जोड़ के 18 आएगा एन सी एक्स बराबर एन सी वाई होता है तो एक्स प्लस वाई बराबर एन होता है तो टू आर प्लस थ्री प्लस आर प्लस थ्री बराबर 18 इससे आपको आर मिलेगा कितना आर मिलेगा आपको यहाँ तीन तीन छः छः आ गया 12 तो 6 मिलेगा आपको आर इक्वल टू सिक्स आंसर है इसका तो आप क्या बोलेंगे इफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन आर फाइंड आर निकालना था आर निकाल लिया अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1th टर्म एंड r प्लस 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 43 आर इक्वल तो इसको मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कुछ नहीं करना आपको आपको टी टू आर प्लस वन टर्म बताया है एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स की पावर 43 तो टी टू आर प्लस वन है और ये वाला टर्म और एक टर्म है आपका टी आर प्लस टू टर्म तो ये क्या होगा एनसीआर टू आर प्लस वन एनसीआर है 43 है 43 सी आर अब 2R प्लस 1 को कैसे लिखेंगे 2R प्लस 1 और यहां पर आपको 1 चाहिए तो आप क्योंकि ये तो प्लस 1 होना चाहिए ना यहां पर प्लस 1 होना चाहिए तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा यहां पर माइनस अरे 2R प्लस 1 ही तो है इसमें कुछ नहीं करना ये 2R ही तो लेना है 43C2R और ये तो 1 है x की पावर n माइनस आर यानी 1 की पावर n माइनस आर वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा y की पावर r यानी x की पावर r 2r टी आर प्लस 2 है तो इसको लिखना पड़ेगा टी r प्लस 1 प्लस 1 ये क्या बनेगा एन सी आर 43 सी r प्लस 1 और x की पावर r प्लस 1 तो इसमें बोला गया है कि इनके कोएफिशिएंट बराबर है ये दोनों बराबर है तो 43C2R बराबर है 43CR प्लस 1 जैसे मैंने आपको बताया था इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43 आना चाहिए तो 2R प्लस R प्लस 1 इक्वल टू 43
थ्री आर बराबर हो गया 42, आर हो गया आपका 14, आर 14 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट्स ऑफ आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1। ये 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 है, आपको प्रूव करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ आर एथ एंड आर एन आर एथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 9। इसका जो आर प्लस वन टर्म है, ये इसको पहले से देखते हैं, इसका जो आर प्लस वन टर्म है वो बराबर है, अगर आप दूसरा एक एक्सप्रेशन लें जो कि 1 प्लस एक्स की पावर एन है, उसके आर एथ और आर प्लस वन टर्म के जोड़ के बराबर है। इसका जो आर प्लस वन टर्म है वो किसके बराबर है, इस एक्सप्रेशन को अगर खोलेंगे तो इसका आर एथ और आर प्लस वन टर्म। ओके, तो सबसे पहले चीज है कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा यहां पर इस वाले का, तो क्योंकि आप इसको टी आर प्लस वन करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आर प्लस वन करना चाहते हैं टी आर प्लस वन, तो आपका क्या बनेगा, ये तो आर है ही, तो सीधा इसका कोएफिशिएंट निकाल लीजिए एन सी आर, और ये वन है तो एक्स की पावर एन माइनस आर फर्क नहीं पड़ेगा, वाई की पावर मतलब एक्स की पावर आर, ये हो गया, तो कोएफिशिएंट इसका एन सी आर हो गया, ये आपका एन सी आर कोएफिशिएंट हो गया इसका। अब ये वाले का क्या होगा, ये आरथ आरथ टर्म है, ये आपका नहीं, इसमें क्या होगा, ये आपको करना पड़ेगा टी आर प्लस वन टर्म है, टी आर प्लस वन टर्म है, तो इसका मतलब वो है टी आर प्लस वन और एन सी आर, ये तो ठीक है, एन ये एन प्लस वन हो जाएगा, ये यहाँ एन प्लस वन होगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं फिर से बता दूंगा आपको हो क्या रहा है मसला, कि टी आर प्लस वन टर्म निकालने के लिए इस ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है, तो ये जगह एन प्लस वन सी आर, यहाँ तक ठीक है, और एक्स की पावर आर, ये तो ठीक हो गया। यहां पर आइए 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसका आरएथ टर्म क्या होगा, टी आर निकालना है, इसका मतलब क्या है, आपको इसको लिखना पड़ेगा टी आर माइनस वन प्लस वन, यानी कि एन सी, इसका एन सी आर माइनस वन और वन की पावर जो भी हो वाई की पावर आर, आर माइनस वन, ये कोएफिशिएंट हो गया इसका, और टी आर प्लस वन टर्म तो इसमें तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको एन सी आर और एक्स की पावर, वैसे एक्स की पावर से कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि कोएफिशिएंट को ऐड करना, एक्स की पावर आपका बनेगा आर। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो कोएफिशिएंट है पहले वाले का, ये जो कोएफिशिएंट है वो ये इसके और इसके सम के बराबर है, तो आप इन दोनों को सम करिए, देखिए ये आता है कि नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर को जोड़ेंगे और इसको देखेंगे क्या आपका ये एन प्लस वन सी आर आता है कि नहीं आता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए क्या किया गया इसमें, एन सी आर माइनस वन है या एन सी आर है, दोनों को जो इसको खोल दीजिए, फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल आर माइनस वन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर आइए फैक्टोरियल एन हो गया है, फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसमें क्या करना है आपको, इस जगह पे ये जो है एन माइनस यहाँ यहाँ पर इसको आर को लिखना है आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, और इसको लिखना है आपको एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, क्योंकि खोल देंगे इसको, इसको जरा सा एक बार खोलेंगे एन माइनस आर प्लस वन बाहर लेंगे और फैक्टोरियल एन माइनस आर आएगा, क्योंकि हमें एन माइनस आर यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर हम फैक्टोरियल, क्योंकि आर माइनस वन यहाँ दिख रहा है तो इसको खोल देंगे आर आर माइनस वन, इससे क्या फायदा हुआ हमारा, ये जो एन एन इसमें कॉमन है दोनों में, एन बाहर ले लेंगे फैक्टोरियल एन, नीचे एन माइनस आर कॉमन दिख रहा है एन माइनस आर कॉमन ले लेंगे, फिर आर माइनस वन आर माइनस वन कॉमन दिख रहा है वो बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बना वन बाय एन माइनस आर प्लस वन प्लस वन बाय आर, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आया एन प्लस वन बाय एन माइनस आर प्लस वन इंटू आर, लेकिन आप इसको जोड़ेंगे अगर एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन क्या होता है, एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन क्या होता है, ये आपका एन प्लस वन फैक्टोरियल हो गया है ना, ये एन एन प्लस वन को माइनस वन किया होगा तभी तो फैक्टोरियल एन आया होगा, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल हो गया। नीचे देखिए, नीचे क्या बन रहा है यहाँ पे, ये r और फैक्टोरियल r माइनस वन, ये r और फैक्टोरियल r माइनस वन क्या हो गया, ये फैक्टोरियल r हो गया। इस तरह यहाँ पर आइए आप, ये n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, जब n माइनस आर प्लस वन को माइनस वन किया होगा तभी तो ये आया होगा, ये फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन हो गया, और ये जो होता है ना जो आप सामने देख रहे हैं ये क्या है, ये n प्लस वन सी आर है, एन प्लस वन सी आर, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ आपको एन प्लस वन सी आर,
तो होगा फैक्टोरियल एन प्लस वन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर, तो एन प्लस वन माइनस आर, और वही ये टर्म है जिसको एन प्लस वन सी आर है। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो पहला टर्म था उसका जो कोएफिशिएंट है वो जो दूसरा टर्म है, दूसरा बायलॉजिकल एक्सप्रेशन है, उसके आर और आर एस टर्म के एडिशन के बराबर है। इसमें जो सवाल है इसमें प्रूव करना है आपको कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स की पावर टू एन, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स से इंडिपेंडेंट जो टर्म आएगा, मतलब एक्स की पावर जीरो जहां आएगी, वो जो टर्म है वो ये है, ये वाला टर्म है। तो एक एक करके इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देखें कि हम मान के चलते हैं कि टी आर प्लस वन टर्म है, तो एन सी एन इसमें टू एन है, तो एन सी आर टू एन सी आर प्लस है, तो माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर एन माइनस आर टू एन माइनस आर, और ये वाई यानी वन बाय एक्स की पावर आर। इसमें क्या करेंगे हम कि पहले एक्स की पावर निकाल लेते हैं, उसको जीरो रखेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताना है, और फिर हम एन को यहां रखेंगे, जो भी आर की वैल्यू आएगी उसको यहां रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक्स को देखता हूं, यह है एक्स की पावर टू एन माइनस आर, और यह है एक्स की वन बाय एक्स की पावर आर, यानी कि एक्स की एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस वन इंटू आर माइनस आर, टू एन माइनस टू आर, ये बराबर जीरो करना है, इसका इंडेक्स बराबर जीरो करना है। तो इससे बना टू एन बराबर टू आर, यानी कि एन बराबर आर, तो आर आपका एन आ गया, यहां पर तब्दील कर दीजिए, ये हो गया टू एन सी एन, और यहां आएगा आपका एक्स की पावर टू एन माइनस एन, टू एन माइनस एन यानी कि एन, और वन बाय एक्स की पावर एन। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये तो वैसे भी एक्स की पावर जीरो ही हमने किया है, हमको टू एन सी एन करना है। टू एन सी एन जो बनता है वो है फैक्टोरियल टू एन बाय फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल टू एन माइनस एन, टू एन माइनस एन डायरेक्ट लिख दू, एन लिख दू, तो इससे क्या बना फैक्टोरियल टू एन बाय फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन। इस टू एन को खोल देते हैं, टू एन को, तो टू एन, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस टू, ये तीन टर्म लिखना जरूरी है, मैं बताऊंगा क्यों। इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वन तक जाएगा ये, इसके पहले जरा टू लिख दीजिए, फिर थ्री लिख दीजिए, फोर लिख दीजिए, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन नीचे है, ये है, तो अभी मैं न्यूमरेटर ले रहा हूँ, इसमें इवन टर्म अलग कर लीजिए, ऑड टर्म अलग कर लीजिए, पहले इसको मैं सीधा कर देता हूँ, जो है ना इसको सीधा कर दिया जाए, मतलब वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट फोर, और यह टू एन माइनस टू, टू एन माइनस वन और टू एन। अब आपको ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा, इवन ऑड अलग कर लेते हैं, वन थ्री ऑड है, वन डॉट थ्री डॉट फाइव, ऐसे आगे चलता रहेगा, इसमें ऑड कौन सा है, ये टू एन माइनस वन है, तो यहां तक आप टू एन माइनस वन तक लगा दीजिए इसको। अब इसको देखिए इवन को, इवन को हम कैसे लिख सकते हैं, टू जो जो बचे बाकी बचे वो यहां लिख दिया सिक्स, इवन ये हो गया टू एन माइनस टू, और ये इवन हो गया टू एन, इन सबको ये जो टू फोर सिक्स है इसको हम लिख सकते हैं, टू को लिख सकते हैं वन इंटू टू, फोर को लिख सकते हैं हम टू इंटू टू, थ्री को लिख सकते हैं टू इंटू थ्री, लाइक दिस। टू एन माइनस टू को लिख सकते हैं टू ब्रैकेट में ले लीजिए एन माइनस वन, और ये है टू एन है टू इंटू एन, सब में टू 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 दिख रहा है, सब में टू 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 दिख रहा है, एन टाइम्स है ये, तो टू की पावर एन हम बाहर ले सकते हैं, तो यहां से हमने टू की पावर एन बाहर ले लिया। इसको रहने दीजिए, ये आखिर में बनेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो है इसको देखिए, टू की पावर एन तो हो गया बाहर, क्या बना, यहां से वन बचा, यहां से टू बचा, थ्री, ऐसे करते करते यहां से माइनस वन बचेगा, यहां पर एन बचेगा, ये क्या है फैक्टोरियल एन है, फैक्टोरियल एन है ना टू की पावर एन। अब इसको लिख देते हैं वन डॉट थ्री डॉट फाइव टू एन माइनस वन, यहां तक आ गया, नीचे क्या था आपको याद है ना, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन, चलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बस ये आ गया टू की पावर एन इंटू वन डॉट थ्री, टू की पावर एन इंटू वन डॉट थ्री डॉट फाइव, टू एन माइनस वन था, वही फैक्टोरियल एन नीचे है, यही आपको प्रूव करना था। द कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर एन आर इन एपी, फाइंड एन। वन प्लस एक्स के पावर एन के बारे में बात हो रही है, और तीन टर्म इसमें दिए हैं जो एपी में है, एपी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होगा इसमें। पहला टर्म है आपका पांचवा टी फाइव,
T5 को कैसे लिखेंगे, T4+1। तो मैं इसमें x वाले को छोड़ देता हूं क्योंकि कोएफिशिएंट की बात हो रही है, तो केवल हम NCR वाली चीज लेंगे, कोएफिशिएंट लेंगे केवल, उसके पावर जो NCR x की पावर n-r y की पावर r होता है ना, x और x तो खैर वन है, y x है, तो हमको केवल NCR लेना है। इसका NCR है 4CR T6 यस, T5+1 यानी कि ये कितना हो गया, ये है NC5, NC4 ये है NC5, और इस तरीके से T7 कर लीजिए, हो जाएगा NC6। अब ये AP में है, इसका मतलब अगर A, B और C अगर इसमें होते हैं, AP में होते हैं, तो B-A बराबर होता है C-B, यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है। तो NC4 ये अगर तीनों AP में है, तो NC4, NC5 और NC6 AP में, इसका मतलब NC5-NC4 बराबर होगा NC6, मतलब ये NC5-NC4 बराबर होगा NC6-NC5। NC5 को इधर ले आइए और NC4 को यहां ले आइए, तो 2NC5 बराबर हो जाएगा NC4+NC6, ये हो गया। अब इसको देखिए, ये जो NC2NC5 है, इसको मैं लिख रहा हूं 2×N/5(n-5), NC4 है (n)/4(n-4) प्लस ये है (n)/6(9-6)n-6। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा, आपको याद होगा मैंने बताया था सबसे बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, पहले तो ये (n)(n)(n) हटा दीजिए, तीनों में कॉमन है, तो ये इसको बाहर लेके इससे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां बनता है 2^2 सबसे बड़ा कौन सा, 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, तो 4 तक लाना है, तो इस 5 को कर दीजिए 5×4, ये हो गया। बाकी n-5 को मैं करता हूं, पहले हम इससे डील कर लें, ये होगा 1/4 और ये हो गया 1/6 को हम लिखेंगे 6×5×4, क्यों, फैक्टोरियल 4 को हम हटाना चाहते हैं, इसको हटा दें, यहीं पे हटा देते हैं इसको। अब आइए n-4 पे, तो n-4-1 n-5 होता है, और n-5-1 n-6 होता है, तो इसको लिखेंगे n-5×n-6, इसको लिखेंगे n-4 n-5×n-6, और ये हो गया (n-6). इन दोनों को हटा देंगे, 1, 2, 3 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो क्या क्या बचता है, यहां बचेगा 2/5 n-5, यहां बचेगा 1/n-4×n-5, और फिर आपके पास आ गया +1/6×5। ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, या तो आप सबको पूरे को n-4 n-5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे को इसको भी n-4 और n-5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा n-4 n-5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाय, अच्छा एक काम करें, ये 5 और 6 भी जाना है, तो सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 6 जाना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं 30 n-4 n-5, फिर से बताता हूं 30 n-4 n-5, इससे फायदा क्या होगा कि नीचे डिनोमिनेटर सारा हट जाएगा, इधर उधर ले जाने की दिक्कत नहीं होगी आपको, तो 30×n-4 n-5 ऊपर आएगा 2×6 n-5 से n-5 कट जाएगा n-4 आएगा बराबर n-5 n-4 30, तो 30 बचेगा केवल n-4 n-5 कट जाएगा 5 से 30 कट जाएगा n-4 n-5 आ जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे n-4, मैं इसको इक्वेशन बना देता हूं, 6 से 12 ये 12 × 4 ये 48 बराबर 30, ये बनेगा n²-5n-4n+5×20। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, अगर इसको आप देखें तो ये बन रही है n²-21n+98, इसको थोड़ा सा इधर ले जाएंगे, थोड़ी जगह कम बच रही है इसलिए,
थोड़ा इधर उधर करेंगे तो आपका एन स्क्वायर माइनस 21 प्लस 98 आ जाएगा। इसका फैक्टर बना देंगे, मुझे पूरा यकीन है फैक्टराइजेशन बहुत कर चुके हैं। एन माइनस 7 एन माइनस 14 आएगा, जीरो को जीरो रखिए, एन आपका 7 आएगा और एन आपका 14 आएगा। ये इसका उत्तर है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n आर इन एपी शो दैट 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको डायरेक्ट यही बता देता हूं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया एकदम वैसे ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी सेकंड टर्म लिखते हैं। टी सेकंड मतलब टी 1 प्लस 1 यह हुआ एन सी 2nc1 क्योंकि n इसमें 2n है। अब अगला टर्म लिखेंगे टी थ्री यानी टी टू प्लस वन ये हो गया 2nc2। अगला आया टी फोर टर्म यानी कि 3 प्लस 1 या 2nc3। तीन टर्म आ गए 1, 2, 3। अब ये एपी में है यानी 2nc2 माइनस ये 2nc1 बराबर है आपके 2nc3 माइनस 2nc2। यही काम करेंगे 2nc2 में यहाँ ले आइए तो 2 into 2nc2 हो गया है और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2nc1 और प्लस 2nc3। ये ठीक है। अब इसको ज़रा नीचे ले आइए या फिर इसको यही सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ इसको नीचे ले आइए। उसका कारण ये है कि हमारे पास एक रिलेशनशिप है NCR बाय NCR माइनस 1 होता है n माइनस r प्लस 1 बाय r। तो क्या करें, पूरे को 2nc बाय 2 से TnC2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर 2nc2 से डिवाइड का ये क्या है 2nc1 बाय 2nc2 और यहाँ पर आ गया 2nc3 बाय 2nc2। अब देखिए ये r है, ये r माइनस 1 है, लेकिन अब ये थोड़ा उल्टा है NCR बाय NCR माइनस 1। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ। एन सी आर माइनस 1 बाय एन सी आर बराबर होता है आर बाय एन माइनस आर प्लस 1। ये ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप है। तो क्योंकि यहाँ पर छोटा है यहाँ बड़ा है और दोनों में एन एन मतलब दोनों के जो सी के ऊपर जो है वो दोनों में कॉमन है, 2nc1 बाय 2nc2 क्या बनेगा आर बाय एन माइनस आर प्लस 1। तो इसको डायरेक्ट लिखिए आप 2 बाय 2n माइनस 2 प्लस 1। ये ठीक हो गया। यहाँ पर क्या बनेंगे इसको, अच्छा इसमें क्या हो गया, इसमें ये बड़ा है इसमें छोटा है, तो अब ये वाला लगाएंगे, इसमें ये वाला नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो ये बनेगा 2n माइनस 3 प्लस 1 बाय 3। ये यहाँ तक हो गया। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, यहाँ 2 है इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। ये मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये हम कई बार कर चुके हैं। तो डायरेक्ट इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को यहाँ ले जाना है और दोनों को रीअरेंज करना है। फाइनल इक्वेशन बताता हूँ आपको, ये आपकी इक्वेशन आएगी 2n² - 9n + 7 = 0। और यही प्रूव करना था कि अगर ये ऐसा है तो ये इक्वेशन जो है 2n² - 9n + 7 0 होती। तो इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे। In the expansion of 1 plus x to the power n, the binomial coefficient of the three consecutive terms are respectively 220, 495 and 792. तीन आपके टर्म हैं। एक को आप r plus 1 मानिए, मतलब एक r मानिए, एक r plus 1 मानिए, एक को r plus 2 मानिए। तीन consecutive टर्म हैं, r, r plus 1 और r plus 2। ये तीन consecutive टर्म मान लीजिए आप। ये जो consecutive टर्म हैं, इनकी संख्या दी हुई है, इनके coefficient की 220, 495, 492। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर हमको टी आर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, टी आर माइनस 1 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, टी आर माइनस 1 प्लस 1, ताकि हम इसको एन कितना है एन सी आर माइनस 1 लिख सके। एक ही हो गया। अगला क्या आ गया, टी आर प्लस 1, तो आर प्लस 1 तो खैर डायरेक्ट आ जाएगा एन सी आर। तीसरा क्या है, टी आर प्लस 2, तो r प्लस 2 लिखना है तो r प्लस 1 प्लस 1 लिख देंगे इसको, ये वाली चीज लेंगे यहाँ पे, तो एन सी आर प्लस 1। ये तीन हो गए, एन सी आर माइनस 1, एन सी आर और एन सी आर प्लस 1। ये जो तीनों कॉन्सिक्यूटिव हैं, इनका रेशियो दिया, इनका वैल्यू दी हुई है 220, 495, 792। तो ये है आपका बेसिकली, ये क्या है इसको मैं इस तरीके से बताता हूँ, ये है एन सी आर माइनस 1 और इस टू एन सी आर इज टू एन सी आर प्लस 1
ये एक तरीके से मान लीजिए आपको दिया है 220:495:792। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशियो लेंगे इन दोनों का, तो क्या आएगा NCR प्लस 1/NCR, तो ये पहले लिया तो ये पहले लेना पड़ेगा, ये आएगा 792/495। अब इनका लेंगे ये दोनों का, इसका NCR और NCR माइनस वन का, तो NCR/NCR-1, NCR क्या है 495 और NCR माइनस वन क्या है 792, ये हो गया। अब इससे क्या है, आपके पास संख्या तो मतलब रिलेशनशिप है, NCR/NCR-1 कितना होता है N-R+1/R, वो यहां लगा देंगे, वो यहां लगा देंगे, यहां पर ये बड़ा है ये छोटा है, बिल्कुल यही चीज लगा देंगे N-R+1। अगर आप देखें यहां पर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा N, इसमें N N ही है, N माइनस R कितना R+1, N माइनस R, ये R+1 हो गया, प्लस 1/R, ये कितना बनेगा N-R-1+1/R+1। तो ये हटा दीजिए, ये बनेगा N-R/R+1, ये बराबर होगा 792/495। इससे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 55N-13R=R। अगला लेंगे NCR/NCR-1, इसमें भी ऐसी है, ये तो डायरेक्ट ही है, NCR/NCR-1 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसको मैं ले रहा हूँ, ये क्या होगा NCR/NCR-1, ये सीधा आप लिखिए N-R+1/R, ये होगा 495/792। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, रीअरेंज करिए, आपके पास 4N-13R=-4 आ गया। एक इक्वेशन ये हुई, एक इक्वेशन ये हुई, सिंपल आपकी सिंपल सॉल्यूशन है ये, और 70 इक्वेशन है, सॉल्व करिए N और R के लिए, N आपका 12 आएगा इसमें। नेक्स्ट में है द कोएफिशिएंट्स ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^n(R) in AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। तो सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हो गया टी, सेकंड मतलब t1+1 कर देते, थर्ड टर्म मतलब टी, थर्ड मतलब t2+1, फोर्थ टर्म मतलब t4 t3+1, तो ये क्या हो गया x^1+x^n है, तो ये तो NC1 हो गया, ये हो गया NC2, ये हो गया NC3। हम कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये AP में है तो इसका माइनस इससे, यानी कि NC2-NC1 बराबर होगा इसका इससे माइनस NC3-NC2। NC2 को यहाँ ले आइए, 2NC2 बराबर NC1+NC3। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या करना है हमको, दोनों को NC2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 = ये होगा NC1/NC2 और ये आएगा NC3/NC2। इससे क्या मिला आपको NC1/NC2, आपके पास फॉर्मूला क्या है NCR+1/NCR, तो इसको हम उलट देंगे, इसको हम जरा उलट देंगे, NCR+1, देखिए ये थोड़ा अलग हो गया, NCR/NCR-1 ये होता है, लेकिन NCR+1/NCR(N-R)/R+1 होता है, ओके तो यहाँ पर तो इसको हम उलट देंगे, इसके लिए हम लिख सकते हैं NCR/NCR+1, ये होगा R+1/N-R, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे R+1, R यहाँ पर है हमारा, ये छोटा है ये बड़ा है, और R हो गया आपका 1, ये 1 हो गया ना, तो इसको हम लिखेंगे R+1, 1+1 2, और नीचे आएगा आपका N-R, N कितना है N-R, R कितना है 1, N-R, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा चाहे तो इसी से यूज कर सकते हैं NCR/NCR-1, ये आपके ऊपर है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक याद करना पड़ेगा आपको, NCR/NCR-1, NCR/NCR-1, N-R+1, N-R+1/R, ये ज्यादा बेहतर तरीका है, क्यों, क्योंकि फिर ये इस पर कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हम NCR/NCR-1 ही लेके चलते हैं, तो इससे क्या बनेगा, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां छोटा या बड़ा है, यहां पर आपका ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको उलट दीजिए, R होगा आपका, अब यहां पर R क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये है N-R+1, जब हम NC1/NC2 करेंगे, NC3/NC2 करेंगे, तो यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है, तो अगर हम ये लिखें छोटा या बड़ा NCR/NCR-1, तो इसमें ये R-1 छोटा है, तो आपको इसको उलटना पड़ेगा,
ये आपका एन सी आर माइनस वन बाय एन सी आर हो जाएगा आर बाय एन माइनस आर प्लस वन। तो यहां पर ये वाला लगाएंगे, इसमें ये एन सी आर माइनस वन और ये एन सी आर, तो टू है इसमें, आर आपका यहां पर टू लेंगे तो क्या बनेगा टू बाय एन माइनस टू प्लस वन। अब यहां पर आइए, ये ऊपर बड़ा है, यहां पर थ्री ऊपर बड़ा है और नीचे टू है, तो एन माइनस आर प्लस वन, इसमें आर लेंगे आप थ्री, तो थ्री माइनस आर नहीं एन एन माइनस थ्री प्लस वन बाय आर, आर क्या लिया आपने थ्री, तो ये क्या बनेगा टू बाय एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू बाय थ्री, ये हो गया, ये आपका दो के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ये होगा सिक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाय थ्री इंटू एन माइनस वन, यहाँ पर टू है इसको यहाँ ले जाइए, सिक्स इंटू एन माइनस वन इक्वल टू सिक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आएगी, और फिर हम एन इक्वल टू जो इसको फैक्टराइज करेंगे तो एन माइनस टू एन माइनस सेवन आएगा, एन बराबर सेवन हो गया, यही इसका उत्तर है। देखिए एन माइनस टू जो है ना, एन माइनस टू ले नहीं पाएंगे, उसका कारण क्या है कि एन माइनस टू हम यहाँ रखेंगे तो ये फैक्टोरियल में जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हम एन माइनस एन इक्वल टू टू नहीं ले पाएंगे, बेसिकली एन माइनस टू नहीं, एन इक्वल टू टू नहीं ले पाएंगे, हमको लेना पड़ेगा एन इक्वल टू सेवन, तो एन इक्वल टू सेवन इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, इफ द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर एन, इफ द एक्सपेंशन वन प्लस एक्स टू द पावर एन, द कोएफिशिएंट ऑफ पी एंड क्यू एथ टर्म आर इक्वल, प्रूव दैट पी प्लस क्यू इक्वल टू एन प्लस टू। तो पी एथ टर्म है तो टी पी करना है, तो टी पी प्लस वन माइनस वन करना पड़ेगा, या फिर इसको कहें टी पी माइनस वन प्लस वन करना पड़ेगा, ये क्या टर्म होगा एन सी, इसमें एन सी आर पी माइनस वन, इस तरीके से ये टी क्यू माइनस क्यू एथ टर्म है तो क्यू माइनस वन प्लस वन करना पड़ेगा, तो ये जाएगा एन सी क्यू माइनस, ये तो है दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो फैक्टो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल पी माइनस वन, फैक्टोरियल एन माइनस पी, एन माइनस पी प्लस वन हो जाएगा, एन माइनस पी प्लस वन, ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल क्यू माइनस वन, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस क्यू प्लस वन, राइट। वैसे आपको इसको करने की जरूरत नहीं, पता क्यों, एन सी पी माइनस वन जब एन सी क्यू माइनस वन करते हैं, यार डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है ना, एन सी आर बराबर एन सी एस अगर है तो आर प्लस एस बराबर एन होता है, तो इसकी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई अगर होता है तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना होता है एन होता है, तो सीधा इसको करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर आप यहाँ तक अगर कर लें तो पी पी से क्यू कैसे काटेंगे आप, ये तो हटा देंगे आप, पी और क्यू का क्या करेंगे आप, इसीलिए आपको p माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन बराबर करना है, p प्लस क्यू बराबर यहां पर ले आइए n n प्लस टू, ये प्रूफ बना हुआ। जो सवाल है इसमें है, इफ द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर n, द कोएफिशिएंट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब तीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म है एक के बाद एक आ रहे हैं, उनका कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है और आपको n निकालना है और आपको पोजीशन भी निकालनी है, मतलब r भी निकालना है, n और r दोनों निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला टर्म हम आनेंगे r, फिर r प्लस वन, फिर r प्लस टू, तो tr कितना हो गया, tr ये प्लस वन चाहिए तो यह माइनस वन करना पड़ेगा एन सी आर, तो ये पहला टर्म हो गया तो एन सी आर माइनस वन, हम कोएफिशिएंट केवल देख रहे हैं। दूसरा टर्म हमने लिया r प्लस वन, तो tr प्लस वन में तो डायरेक्ट मिल जाएगा कोएफिशिएंट एन सी आर, r यहाँ पर है। तीसरे वाले में हम क्या करेंगे, टी आर प्लस टू है तो आर प्लस वन प्लस का वन कर दीजिए, हो गया एन सी आर, तो एन सी आर प्लस वन, ये तीसरा टर्म हो गया। बेसिकली दिया ये क्या हुआ है कि एन सी आर माइनस वन इज टू एन सी आर इज टू एन सी आर प्लस वन, ये बराबर दिया है 56 और इज टू 70 इज टू 60। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये दोनों को, तो एन सी आर प्लस वन बाय एन सी आर बराबर हो जाएगा आपका 56 बाय 70 सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दो बार आएगा, 56 बाय 70 कितना होता है, 7 10 70 7 8 56 2 4 8 2 4 5 10 4/5 हो गए, तो
तो एन सी आर ये चार बटे पाँच बाद में लिख देंगे, पहले इसको कर लेते हैं ये वाले को, अब इन दोनों को अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन बराबर 70/56, 70/56 हम निकाल ही चुके हैं, 4/5 है। अब एन सी आर प्लस वन बाय एन सी आर, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है एक ये छोटा है, यानी कि अगर ये चार है तो ये तीन है इस तरीके से, और सब जगह ऐसी है, दोनों जगह ऐसी है, तो सदैव सीधा एन माइनस आर प्लस वन बाय आर कर दीजिए, तो यहाँ एन माइनस आर क्या है आर प्लस वन, तो आर एन माइनस आर प्लस वन और प्लस वन और आर कितना आर प्लस वन, ये हो गया 4/5। यहाँ से क्या मिला, इधर से क्या मिला आपको एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन, सेम चीज़ करेंगे बस यहाँ पर आर की जगह आर ही रखेंगे, ये ऊपर वाला लेंगे ये आर यहाँ पर लेना है, ये जगह एन माइनस आर प्लस वन बाय आर इक्वल टू, अब ये 70/56 है मतलब 5/4, ये उल्टा कर दिया इसका मैंने, ये क्या बना एन माइनस आर, इसको कर रहा हूँ एन माइनस आर माइनस वन प्लस वन, यानी ये तो कट गया एन माइनस आर बाय आर प्लस वन आ जाएगा, तो ये बना एन माइनस आर बाय आर प्लस वन बराबर 4/5, ये आया दो, मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा और ये हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सीधा आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ये होगा 4n माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू 5r, इसका मतलब 4 r को इधर ले आए 4n प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4 को यहाँ ले आए 9r, तो एक इक्वेशन बनी आपकी 4n प्लस 4 इक्वल टू ये बनेगा 4n, इधर 4r इधर आएगा तो 9r बन रहा है, तो वो 4n 4 इंटू एन माइनस 4 इंटू आर प्लस 4 और ये बना रहा है 5r, ये 5r बन रहा है, तो 4n माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू 5r, और यहाँ पर अगर हम 4n माइनस r, अच्छा ये r को ले जाना है इधर पे, ओके तो ये माइनस 4r है, जो इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 9r, यहाँ पर जाएंगे तो 9r बनेगा ना, ये 9r हो गया, 4n प्लस 4 इक्वल टू 9r, ये एक इक्वेशन हो गया आपकी, यहाँ पर आइए इसको मल्टीप्लाई करिए 5n माइनस 5r इक्वल टू 4r प्लस 4, यहाँ तक ठीक है, तो इसमें बनता है आपका 5n, इसको इधर ले आइए माइनस 9r इक्वल टू 4, तो एक इक्वेशन बनती है यहाँ से 4n माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू 5r, और 4r को इधर जाएंगे तो 9r बनेगा, 4n और माइनस 9r इक्वल टू माइनस 4, या जिस तरीके से यहाँ लिखे हैं, अब 4n माइनस 4n, अच्छा 9r ये दिया है, 4n प्लस 4 यहाँ रख दीजिए सीधा, तो 5n माइनस 9r की जगह रख दीजिए माइनस 4n प्लस 4 इक्वल टू 4, मैं इस संख्या को 9r की जगह रख रहा हूँ यहाँ पे, तो 5n माइनस 4n और माइनस 4 इक्वल टू 4, तो 5n माइनस 4n हो गया 1n, और इसको यहाँ ले जाएंगे n कितना है आपका, n आपका आता है 4, n हो गया आपका 4 8, n 8 आ गया, यहाँ पर रख दीजिए इस वाले में या किसी में भी, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो आपका बनेगा, या इसमें रख देते हैं, n है 8, तो 4 इंटू 8 प्लस 4 इक्वल टू 9r, ये हो गया 8 फोर ज़ा 32, 32 प्लस 4 है 6, 6 6 इक्वल टू 9r, 36 इक्वल टू 9r, आर हो गया 9 फोर ज़ा 36, तो r 4 आ गया आपका, है ना, ये ध्यान रखिए ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं लिख रहा हूँ 4n माइनस 9r इक्वल टू माइनस 4, तो r आपका 4 आ गया, जैसे आपका r आ गया तो आपने क्या माना था, ये r r प्लस 1 r प्लस 2, मतलब ये हो गया 4, ये है 4+1 5 और ये है 6, 4/5 और 6 टर्म आ गए। इफ द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस अल्फा टू द पावर n बी रिस्पेक्टिवली a b c d, वी हैव टू प्रूव दैट b स्क्वायर माइनस ac बाय c स्क्वायर माइनस bd इक्वल टू 5a बाय 3c, तो हमको टर्म दिया है t3 T4, T5, T6 ये टर्म दिए हैं x प्लस अल्फा की पावर n में a b c d, कहने का तात्पर्य ये है कि आपको T3 दिया हुआ है, ये आपको a दिया हुआ है, ये कितना हुआ T3 क्या हुआ, ये n x प्लस अल्फा की पावर n पे है, ये x प्लस अल्फा की पावर n,
तो x प्लस अल्फा की पावर n क्या होता है, इसको अगर आप t3 को लिखना चाहें तो t2 प्लस 1 लिखेंगे, तो ये क्या होगा आपका एन सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 अल्फा की पावर 2, ये हो गया आपका a। इसी तरीके से t3 पे आ जाइए, t4 पे आ जाइए, 3 प्लस 1 करना पड़ेगा, ये एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस 3 और अल्फा की पावर 3, ये हो गया b। टी फोर प्लस वन बी फिफ्थ पे आ जाइए, होगा एन सी फोर एक्स की पावर एन माइनस फोर अल्फा की पावर 4 इक्वल टू सी। टी फाइव प्लस वन पे आ जाइए, टी सिक्स पे, तो ये एन सी फाइव एक्स की पावर एन माइनस फोर अल्फा की पावर 5 हो गया इक्वल टू डी। अब ये दिया हुआ है और ये आपको प्रूव करना, बी स्क्वायर माइनस ए सी बाय सी स्क्वायर माइनस बी डी इक्वल टू 5a/3c। अब या तो आप इन सबको इसमें रखिए और प्रूव करने की कोशिश करिए और बिलीव करिए मैं ये कर चुका हूँ, सॉल्व नहीं होने वाला, इसके लिए ट्रिक लगानी पड़ेगी, ट्रिक है ये वाली, लेकिन ये इसको लाने से पहले हमको थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, आपको थोड़ा इसको ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 5a को इधर ले आइए और सी स्क्वायर माइनस bd को यहाँ ले आइए, तो बी स्क्वायर माइनस ac बाय आप ये करेंगे a, 5/3 को यहीं रहने दीजिए और इसको करिए आप यहाँ ले गए ना, तो ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस बी डी बाय सी, ये बन गया। अब बी स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर माइनस ए सी बाय ए, यहाँ से आपको ये सी है, दोनों साइड आप क्या करिए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे क्या बना आपका, आप दोनों को मतलब एक एक करके ले लीजिए, ये बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या बनेगा बी स्क्वायर बाई ए बी, अलग कर दे रहा हूँ, ए सी बाई ए बी इक्वल टू 5/3, ये बनेगा सी स्क्वायर बाय बी सी माइनस बी डी बाय सी बी, ये बना बी स्क्वायर बाय ए बी यानी कि बी बाय ए हो गया, ये हो गया सी बाय बी, ये हो गया 5/3, सी स्क्वायर माइनस बी सी क्या बना सी बाय बी, और ये क्या बना डी बाय सी। अब यहां से हम सवाल शुरू करेंगे करना, यहां से शुरू करेंगे करना। अब यहाँ पर हर जगह पे एक एक करके रख दीजिए, तो मैं आपको ज़रा बता दूँ कैसे रखना है, थोड़ा बड़ा है इसलिए यहीं बता देता हूँ, लिखने में समय निकल जाएगा। ये ए बी सी डी मैंने बताया आपको ऊपर, अभी यहाँ हम लिख चुके हैं ऑलरेडी ए बी सी डी है, इन सबको क्या करिए यहाँ पर इस जगह रखिए, यहाँ जो जो वैल्यू मिली है बी बाय ए सी बाय बी जहाँ ए बी सी डी है उसको यहाँ रख दीजिए। तो ये आपने रखा है एन सी थ्री, अब इससे फ़ायदा क्या हो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्स की पावर एन माइनस थ्री और अल्फा की पावर 3, एक्स की पावर एन माइनस 2, अल्फा की पावर 2, एन सी 2, एन सी 3, एन सी 4, एन सी 4, एन सी 4, एन सी 3, एन सी 5, एन सी 4 और बाकी जो टर्म है। ऐसे फायदा क्या हुआ अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये है यहाँ पर ये एक्स की पावर माइनस 3 और ए की पावर 3 है और ये एक्स की पावर माइनस 3 और अल्फा की पावर 4 है, यहाँ पर एक्स की पावर केवल इसी को लिख रहा हूँ मैं, बाकी एन सी 3, एन सी 4 भूल जाइए अभी, एक्स की पावर एन माइनस 3 है ये, अल्फा की पावर 3 है और यहाँ पर है, यहां पर है एक्स की पावर एन माइनस 2 और अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या बना आपका ये इधर पे, ये बना आपका एक्स की पावर एन माइनस, मैं एन सी आर वाले टर्म नहीं लिख रहा हूं, अल्फा की पावर 4 और ये बना एक्स की पावर एन माइनस 3 अल्फा की पावर 3। अब हम एक्स को ऊपर ले जाते हैं, एक्स को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा जब ये ऊपर ले जाएंगे तो एन माइनस 3 माइनस एन प्लस 2 बनेगा, यानी 2 माइनस 3 यानी कि एक्स की पावर क्या हो गया माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 1 मिल गया और नीचे आया आपका ये अल्फा। अब हम अल्फा ले जाएंगे, अल्फा स्क्वायर ले जाइए, यहाँ बना अल्फा अल्फा की पावर 3 माइनस 2, ये अल्फा ऊपर ले गए तो ये अल्फा बना माइनस, यहाँ पर आइए यही काम करेंगे, एक्स की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये एन माइनस 4 माइनस एन प्लस 3 बना, इसका मतलब क्या है माइनस 4 प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 1 यहाँ भी आया और ये जब ऊपर ले जाएंगे अल्फा की पावर 3 और 4 सब्ट्रैक्ट होगा 4 माइनस 3 ये भी आपका अल्फा आ जाएगा, इसका मतलब आपको क्या मिला इसमें यहाँ पर मिला अल्फा बाय एक्स, यहाँ मिला अल्फा बाय एक्स। अब क्या करेंगे ये आपको अल्फा बाय एक्स दे रहा है ये अल्फा बाय एक्स दे रहा है दोनों से अल्फा बाय एक्स कॉमन ले लेंगे ठीक है यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 5/3 आपका था ही यहाँ पे यहाँ से भी आपको अल्फा बाय एक्स मिलेगा इधर से भी बिल्कुल सेम मिलेगा बिल्कुल सेम चीज करेंगे एक्स की पावर एन माइनस 3 है एक्स की पावर एन माइनस 3 है एक्स की पावर एन माइनस 4 ऊपर ले जाइए यहाँ पर एन माइनस 3 एन माइनस 4 देख ही रहे ना इसको ये यही किया हुआ यहाँ पे यहाँ पर आपका यहाँ पर अल्फा बाय एक्स आएगा इन दोनों का क्योंकि अल्फा ये अल्फा जाएगा तो 4-3 तो अल्फा बाय एक्स हो गया यहाँ पर भी यही है n-4 ये ले जाएंगे तो ऊपर n-4 माइनस n+4
देन माइनस फाइव माइनस एन प्लस फोर क्या हुआ, माइनस फाइव प्लस फोर एन एन कट जाएगा, माइनस फाइव प्लस फोर ये एक्स की पावर माइनस वन आएगा, अल्फा भी ऐसी ही है, एक्स की पावर माइनस वन अल्फा ले जाएंगे तो फाइव माइनस फोर अल्फा हो जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस वन अल्फा जो मैंने आपको बताया था वो भी आपका अल्फा बाय एक्स आएगा, तो अल्फा बाय एक्स दोनों साइड आ गया। सबसे पहले इनको उठा के काट दीजिए, राइट। अब आइए हमारे इस पे, एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन होता है एन माइनस आर प्लस वन बाय आर, इसको ध्यान रखिएगा। इससे क्या मिला आपको, अगर आप ये लिखते हैं, एक एक लिखता हूं बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ये एन सी थ्री है, ये हम लिख रहे हैं एन सी थ्री बाय एन सी टू। अब देखें ये एन सी आर हो गया, ये एन सी आर माइनस वन हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आर अब लेंगे थ्री इस जगह पे, तो एन माइनस थ्री प्लस वन बाय थ्री कितना हो गया, ये एन माइनस थ्री प्लस वन एन माइनस टू बाय थ्री, ये एन माइनस टू बाय थ्री आ गया। इसी तरीके से एन सी फोर बाय एन सी थ्री एन माइनस थ्री बाय फोर आएगा, मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ, ये हो गया एन सी फोर बाय एन सी थ्री, इसमें आर क्या लेंगे फोर, क्योंकि ये फॉर्मूला देखिए तो फोर लेंगे, इस वाले में मैं फोर रख रहा हूँ, एन माइनस फोर प्लस वन बाय फोर कितना हो गया एन माइनस थ्री बाय फोर, ठीक है, ये एन माइनस थ्री बाय फोर हो गया, एन सी फोर बाय एन सी थ्री एन माइनस थ्री बाय फोर, इसी तरीके से एन सी फोर फाइव बाय एन सी फोर आ गया एन माइनस फोर बाय फाइव। इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन के बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड एन प्लस वन बाय ट्वेल्व आएगा, राइट हैंड साइड भी आपका एन प्लस वन बाय ट्वेल्व आएगा, आप कहेंगे कि ये ट्रू हो गया, बस इतना करना है इसमें। तो पहले तो आपको इसको थोड़ा सा, इसमें ट्रिक क्या है, पहले आपको ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ये आपको इसको यहां ले जाइए, फिर दोनों साइड, फिर इसको ए को नीचे लाइए, फिर दोनों साइड बी बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों को सबको सेपरेटली ले लीजिए, फिर यहाँ वैल्यू रखिए, और ये अल्फा और एक्स की पावर वर अल्फा ये सब सारी की सारी कट जाएंगी, जैसे मैंने आपको यहाँ लंबा समझाया, और फिर एनसीआर बाय एनसीआर माइनस वन यहाँ इनके लिए यूज करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों बराबर प्रूव करेंगे। अब बिल्कुल सेम सवाल है, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सवाल है, तो यहां पर आपका जो सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टर्म है, अब यहां पर आपको सिक्स सम, मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं, टी सिक्स यानी टी फाइव प्लस वन, ये क्या हो गया एक्स प्लस अल्फा की पावर एन है, ये तो क्या बनेगा, ये टी फाइव प्लस वन एन सी आर एन सी फाइव एक्स की पावर एन माइनस आर एन माइनस फाइव और वाई की पावर आर अल्फा की पावर फाइव, ऐसे आपका टी सिक्स प्लस वन टी सेवन प्लस वन और टी इसमें कितने टर्म है ना एट प्लस एट बन एट प्लस वन एन सी सिक्स एन सी सेवन एन सी एट, ये हुआ एक्स की पावर एन माइनस सिक्स एक्स की पावर एन माइनस सेवन एक्स की पावर एन माइनस एट अल्फा की पावर सिक्स अल्फा की पावर सेवन अल्फा की पावर एट। वैसे ये जो टर्म मैं लिख रहा हूँ ये है ए के बराबर, ये बी के बराबर, ये सी के बराबर, ये डी के बराबर, ये हमने यार ऑलरेडी दर्ज किए हुए, ये ऑलरेडी है आपके पास, केवल बताने के लिए कि ये टर्म क्या आएंगे, यहाँ पर आप इसको रेफर कर सकते हैं। अब ये है बी स्क्वायर माइनस ए सी बाय सी स्क्वायर माइनस बी डी इक्वल टू फोर ए बाय थ्री सी, जरा इसको रिजॉल्व कर ले, ऐसे काम नहीं बनेगा। आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी है, इस ए को नीचे लाइए यहाँ पर और सी स्क्वायर माइनस बी डी को ऊपर ले जाइए, सी स्क्वायर माइनस बी डी को नीचे सी रहने दीजिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फोर बाय थ्री को अलग कर लीजिए। अब दोनों साइड आप नीचे बी बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी बी से मल्टीप्लाई करिए, इसे भी बी से मल्टीप्लाई करिए, इनको ओपन कर दीजिए, बी स्क्वायर बाय बी ए माइनस ए सी बाय बी ए इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बाय बी सी माइनस बी डी बाय बी सी, ये क्या बना, बी बाय बी बी बाय बी बाय ए और ये बना सी बाय बी, आपका फोर बाय थ्री तो चल ही रहा है तो इसको बाहर ले लीजिए, फोर बाय थ्री ये हो गया सी बाय बी और माइनस डी बाय सी, ये आ गया। अब आपके पास ए बी सी डी है, इसको इन सबको सब रख दीजिए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो अल्फा की पावर अल्फा और ये ये एक्स और अल्फा की पावर सब कट जाएंगी, सब कट जाएंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक बार थोड़ा सा रेफर कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर किया था बिल्कुल उसी तरीके से, ये अल्फा बाय एक्स बाहर निकलेगा, इसको हटा दीजिए, ये सब कट जाएंगे। फाइनली आपको केवल इस पर ध्यान देना है, एन सी सिक्स बाय एन सी फाइव एन सी सेवन बाय एन सी सिक्स एन सी एन सी सेवन बाय एन सी सिक्स एन सी एट बाय एन सी सेवन, लेकिन इसमें क्या है, एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन, ये होता है एन माइनस आर प्लस वन बाय आर। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये वाला बताता हूँ, ये इसका क्या आएगा, वैसे ही आप बाकी करेंगे, एन सी एट बाय एन सी सेवन
हमारे पास क्या है, एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन होता है, एन माइनस आर प्लस वन बाय आर, तो ये इसको हम आर मानेंगे, तो ये बनेगा, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, एन माइनस आर, एन माइनस आर मतलब आठ प्लस वन, नीचे आठ, जाएगा एन माइनस सेवन बाय एट, तो यहाँ पर आया एन माइनस सेवन बाय एट। इसी तरीके से पहला वाला जो आएगा एन माइनस फाइव बाय सिक्स, दूसरा आएगा एन माइनस सिक्स बाय सेवन, यहाँ पर एन माइनस सिक्स बाय सेवन। इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करिए, इसको अलग से सॉल्व करिए, इस जगह पर एन प्लस वन बाय फोर्टी टू आएगा, इस राइट हैंड साइड पर एन प्लस वन बाय फोर्टी टू आएगा, यही आपका प्रूविंग है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव होगी। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एक्स की पावर एन, इसको मैं यही बता देता हूं क्योंकि ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं दो तीन बार। वन प्लस एक्स की पावर एन है, आप मान के चलिए आर है, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस टू तीन टर्म है, तो आर एस टर्म क्या होगा, टी आर अगर लिखना है तो टी आर माइनस वन प्लस वन लिखना पड़ेगा, इसका मतलब ये होगा एन सी आर माइनस वन, ये 76 हो गया। टी आर प्लस वन में तो सीधा एन सी आर, सीधा एन सी आर 95 आएगा। टी आर प्लस टू मतलब टी आर प्लस वन प्लस वन लिखना पड़ेगा, तो एन सी आर प्लस वन, ये आपका कोएफिशिएंट होगा 76। आप पहले क्या करेंगे, इन दोनों को, ये दोनों को लीजिए, इन दोनों को और डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को लीजिए और इन दोनों को नहीं, पहले इन दोनों को लेते हैं, ये दोनों को लीजिए, एन सी आर प्लस वन बाय एन सी आर, एन सी आर प्लस वन बाय एन सी आर, तो 76 बाय 95। अब आप देखिए एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन क्या होता है, एन माइनस आर प्लस वन बाय आर, यहाँ पर लिखेंगे इसमें आर आर प्लस वन लेना है, इस जगह पे आर आर प्लस वन लेना है, एन माइनस आर प्लस वन प्लस वन बाय आर प्लस वन, देखिए एन माइनस आर माइनस वन बाय आर प्लस वन, ये हो गया 4/5, इसको आप कटेंगे तो 4/5 आएगा आपका, फिर आप यहाँ बन जाएगा एन माइनस आर बाय आर प्लस वन बाय 4/5, उसका एक इक्वेशन बनेगा 5 n - 9 r = 4। अगले बार हम इसको लेंगे, इन दोनों को एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन हो गया 95/76। अभी अभी हमने बताया 76/95 जो होता है वो 4/5 होता है, यहाँ जब उलट जाएगा 5/4 आ जाएगा। ये एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन, वन में सीधा आर लेना है, मतलब यही फॉर्मूला आप यहाँ पर रख देंगे क्योंकि एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन ही है ये, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर 5/4, ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एन आपका आठ आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इसीलिए जल्दी बताया है क्योंकि ये ऑलरेडी तीन चार क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, आपको आइडिया लग गया अभी तक कैसे करते हैं, इसलिए सोल्यूशन आपके सामने है। अगला जो सवाल है इसमें 6th, 7th, 8th टर्म जो एक्सपेंशन है x प्लस ए की पावर n में, जो 6th, 7th, 8th टर्म है वो आपको दिए हैं 112, 7 और 1/4, आपको x, a और n निकालना है, तो इसमें बिल्कुल सेम काम करना है आपको। ये देखिए ये t6 टर्म है, t6 मतलब ये छठवां टर्म दिया है आपको कितना 112, सातवां टर्म दिया 7, आठवां टर्म दिया 1/4। t6 क्या होता है, t5+1 मतलब एन सी आर यानी कि एन सी फाइव, एन माइनस फाइव नहीं, एन सी फाइव। अब इसको एन माइनस फाइव लिखा क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप क्या करें, इसको एन माइनस फाइव लिखें क्योंकि NCR = NCN-R होता है, तो इसलिए हम इसको NC अभी 5 ना लिख के NC-N-5 लिख रहे हैं, x^n-5 a^5। इसी तरीके से t7 टर्म हो गया NCN-6 क्योंकि t6+1 लिखेंगे, x^n-6 और a^6, ये आपका 7 हो गया। t8 क्या है, NCN-7 क्योंकि t8 को लिखेंगे t7+1, तो NCN-7 x^n-7 a^7 1/4 हो गया। अब क्या करें, इन दोनों को आप डिवाइड करें, t7/t6 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या बना आपका, देखिए या तो आपको ये लिखना है या फिर आप सीधा, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, इसको सीधा आप NC5 लिखिए, x^n-5 और a^5, इसको आप लिखिए NC6 x^n-6 a^6, इसको लिखिए आप NC7 x^n-7 a^7। अब क्या करेंगे, आप क्या करिए, NC6 को NC5 से डिवाइड करिए, NC6 को NC5 से डिवाइड करिए, तो NC6/NC5 क्या होगा, देखिए ये NCR/NCR-1 फॉर्मूला लगाएंगे तो n-r+1/r, r इसमें देंगे 6, तो हो जाएगा n-6+1/6 मतलब n-5, 6-6+1 होता है -5, n-5/6, n-5/6 हो गया ये, एक तो ये हो गया। इसी तरीके से अब अगला जो है आपका NC5 है, यहाँ पर NC5 है, इसको क्या लिखिए, ये तो कुल मिला के यही हो गया ना, n-5/6 ही तो बना, तो n-5/6 हो गया यहाँ पर, ये सब मंत्रणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, n-5/6 जो हम करते चले आ रहे हैं वैसे करिए, और इनटू ये आपका जो है x^n-6 और x^n-5,
तो ये x की पावर n माइनस सिक्स बाय x की पावर n माइनस फाइव, इसको पहले जाइए n माइनस सिक्स माइनस n प्लस फाइव, ये कैंसिल हो गया, माइनस सिक्स प्लस फाइव हो गया माइनस वन, तो x की पावर माइनस वन, तो x नीचे आएगा, a पे देखिए a की पावर सिक्स और a की पावर फाइव, तो ये सिक्स माइनस फाइव बनेगा, तो a यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका n माइनस फाइव बाय सिक्स इंटू ए बाय एक्स वन बाय सिक्सटीन हो गया, ये आपके पास इक्वेशन हो गया, a बाय एक्स हो गया, n माइनस फाइव को इधर ले आइए और सिक्स को यहाँ पहुँचा दीजिए, ये 3 बाय एट ए बाय एक्स आ गया का 3 बाय एट इंटू वन बाय एन माइनस फाइव, सेम काम हम ये करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो टी एट बाय टी सेवन, टी एट बाय टी सेवन में क्या करेंगे, देखिए ये तो पहले आपका ये वाली जो ये जो टर्म है इसको तो ध्यान रखिए ए बाय एक्स ही आएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको ए बाय एक्स लिख दीजिए सीधा, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ एन सी सेवन बाय एन सी सिक्स, तो यहाँ पर ये वाला लगाएंगे एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन, एन ए होगा एन माइनस आर होगा सात, एन माइनस सात प्लस वन बाय सात, तो ये n माइनस सिक्स बाय सात, तो n माइनस सिक्स बाय सात ये हो गया, मैंने जैसे बताया था ये x जो है वो आपको नीचे x माइनस वन मतलब x मिलेगा, a आपका ये मिलेगा, तो a बाय एक्स हो गया वन बाय ट्वेंटी एट, इससे क्या बना a बाय एक्स हो गया वन बाय फोर एन माइनस सिक्स, अब इन दोनों को कर दीजिए इक्वेट, ये भी a बाय एक्स ये भी a बाय एक्स, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, अब इसको इससे n निकालेंगे, एक सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है a बाय एट, अब पहले इक्वेशन में a बाय एक्स में n रख देंगे, तो a बाय एक्स वन बाय एट आएगा, x आपका x बाय a हो गया, लेकिन आप देखें t6, t6 आपको दिया हुआ है 112, यानी n कोई भी t6 ले लीजिए, t7 ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है वो ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, तो t6 आपको 112 दिया हुआ है, t6 क्या है एन सी सिक्स एन सी फाइव, एन सी फाइव एक्स की पावर n माइनस फाइव और a की पावर फाइव, ये आपको 112 दिया हुआ है, अभी अभी आपने जो n है उसको 8 निकाल लिया, तो 8c5 x की पावर 8 माइनस पांच हो गया 3 और a की पावर 5, ये 112 है, अब x की जगह आपने 8a रख देना है, तो 8c5 x की जगह रखिए 8a होल क्यूब a की पावर 5 इक्वल टू 112, तो यहाँ बना 8c, अब इसको खोल दीजिए 8a क्यूब है ना ये, अब यहाँ से मैं आगे बता रहा हूँ, यहाँ पर इसका सोल्यूशन आगे बता रहा हूँ, तो आप 8c3 8a क्यूब और a की पावर 5, 8c3 को खोल दीजिए, फैक्टर 8 बाय फैक्टर 8 माइनस 3 फैक्टर 3, 8 क्यूब हो गया, ये a की पावर 5 और a की पावर 3 मिलके 8 की पावर 8 बना लिया इन्होंने, फिर a की पावर 8 निकाला है, सबको दाएं हाथ पे ले जाइए, आपके पास जो भी टर्म आएगा वो जरूर कोई ना कोई पावर होगी 8 की, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 256 आएगा, 1 बाय 256 सिंपल 2 की पावर 8 होता है, 2 की पावर 8 जो होता है वो 1 बाय 256 होता है, तो a इक्वल टू a की पावर 8 बराबर 1 बाय 2 की पावर 8 का मतलब होता है कि ए आपका हाफ है, ए आपका हाफ आ गया, ए आपका हाफ आ गया, इस एक्स की जगह रख दीजिए 8 इंटू वन बाय टू, तो आपका एक्स फोर आ गया, तो आप एक्स फोर मिल गया, ए आपका हाफ हो गया, एन आपका 8 हो गया। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें, इफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन इज 240 720 1080, आपको एक्स ए और एन निकाला, तो बिल्कुल सेम काम करेंगे, मैं आपको बड़ा जल्दी जल्दी फटाफट बताता हूँ इसको, T2 मतलब T1 प्लस वन एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए, ये तो 240 है, T2 प्लस वन एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर 720 है, T3 प्लस वन एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए स्क्वायर 1080, जरा इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, T4 बाय T3 को डिवाइड करेंगे आपका, तो यहाँ पर तो आपका जैसे ये वाले जो x वाला टर्म है ये कल एक x आएगा नीचे और ए क्यू बाय ए स्क्वायर मतलब ए टर्म ऊपर आएगा, एन सी थ्री बाय एन सी टू है, और इसमें आपको सीधा वाला फॉर्मूला लगाना है एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन बाय आर, इस जगह पे आप क्या करेंगे एन सी थ्री बाय एन सी टू है, एक बताता हूँ बाकी अपने आप करेंगे, एन सी थ्री बाय एन सी टू इसमें क्या करेंगे एन माइनस आर प्लस वन, यहाँ पर थ्री लेंगे इसको एन माइनस थ्री प्लस वन बाय थ्री एन माइनस टू बाय थ्री, एन माइनस टू बाय थ्री ये आपका पहला आएगा एन माइनस टू बाय थ्री, ये आप समझ गए, इससे आपको मिलेगा x, इससे मिलेगा आपको a, ये ऑलरेडी हम एक सवाल में कर चुके हैं इसलिए मैं फटाफट इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये दोबारा हम नहीं करेंगे, ऑलरेडी इसको किया जा चुका है, तो आपका a बाय x हो गया 9, इसको यहाँ पर a बाय x लीजिए, n वाले टर्म को एक जगह ले जाइए, जो कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे ये जो a बाय x को यहाँ रखिए बाकी सबको यहाँ ले जाइए, ये बन गया, अब T3 बाय T2 करिए, एन सी टू बाय एन सी वन आएगा, इसमें वाला फॉर्मूला लगाइए फटाफट, एन माइनस आर बाय एन प्लस वन बाय टू आपका आएगा एन माइनस वन बाय टू, ए बाय एक्स मिल ही रहा है इससे, बहुत सवालों में देख लिया हमने ए बाय एक्स मिल रहा है, ए बाय एक्स को इधर रखिए बाकी सबको यहाँ ले जाइए, टू थ्री इंटू टू बाय एन माइनस वन यानी कि सिक्स बाय एन माइनस वन,
अब आप ध्यान रखिए, एक a बाय एक्स आ गया, एक a बाय एक्स आ गया, दोनों को इक्वेट करेंगे 9 बाय 2 इंटू 9 माइनस 2 इक्वेट करेंगे 6 बटे 9 माइनस 1 से, तो ये इक्वेट कर दिया हमने, इससे हम n सॉल्व करेंगे, n आपका 5 आ गया। आपको पता है a बाय एक्स क्या था, a बाय एक्स आपका जो भी वैल्यू थी आपका, या ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, तो a बाय एक्स 6 बाय n माइनस 1 है। अभी अभी आपने n 5 निकाल लिया, a बाय एक्स है 6 बाय, इसकी जगह n की जगह 5 रख दीजिए, तो a बाय एक्स हो गया 6 बटे 4, यानी a और x में रिलेशनशिप हो गया a इक्वल टू 3 बाय 2 x। अब सो सबसे छोटा टर्म लीजिए t2, t2 क्या हुआ, t2 हुआ nc1, nc1 x की पावर n माइनस 1 और a ये है 240। आपको n पता चल चुका है, अभी n आप निकाल चुके 5 रखिए 4, हाँ 5, तो 5c1 x की पावर 4 a इक्वल टू 240। इससे क्या करना है, इसको 5c1, तो खैर nc1 जो होता है वो n n ही होता है, 5 ही होता है, तो ये 5 हो गया, ये x की पावर 4 और ये इस a की जगह आप 3 बाय 2 x रख दीजिए, इसकी जगह 3 बाय 2 x रख दीजिए इक्वल टू 240। अब क्या करें, आप केवल x को यहाँ रखें, बाकी सबको इधर ले जाएं, तो x की पावर 5 240 इंटू 2 बटे 5, आप देखेंगे x की पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 32, ये 32 आएगा, और इसका मतलब ये 32 है तो ये है 2 की पावर 5, तो मतलब 5 5 बराबर है, तो x आपका 2 हो गया, x 2 हो गया, ये क्या था a हो गया 3 बाय 2 इंटू x, x आपका 2 आया, तो ये आपका 3 हो गया, तो n आपका 5, a आपका 3, x आपका 2, ये रिजल्ट आएगा। इसमें आपको दिया है T1, T2, T3, इसमें T1, T2, T3 आपको दिया हुआ है, ये संख्याएं हैं, इस और इसमें दिया है a प्लस बी की पावर n, ये x प्लस अल्फा की पावर n के जैसा ही है सवाल, और इसमें तीन टर्म है 729, 7290, 3035, आपको a, b, n निकालना है, तो आई होप आप इसको निकाल लेंगे, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सॉल्यूशन आपके सामने, बिल्कुल 3-4 सवाल हमने ऐसे कर चुके हैं। फाइनली ये वैल्यू आएगी 3, 5 और 6। अगला सवाल 33, फाइंड ए द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ए एक्स की पावर 9 आर इक्वल। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 3 प्लस ए एक्स की पावर 9 इसका एक्सपेंशन करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का टर्म आने वाला है और जो एक्स क्यूब का टर्म आने वाला है वो दोनों इक्वल है, कोएफिशिएंट आपको ये निकालना है। पहले इसको ओपन कर दीजिए, एनसी 0 3 की पावर 9, एनसी 1 3 की पावर 8 ए एक्स आ जाएगा, फिर एनसी 2 3 की पावर 7 ए एक्स स्क्वायर, फिर 3 एनसी 3 3 की पावर एक्स इंटू ए एक्स क्यूब। इसके आगे आपको नहीं बनाना है, क्यों, इसका कारण यह है कि आपको एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब तो मिल गया ना, एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, आपने एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 9c2 3 की पावर 7 और ए स्क्वायर, ये हो गया इसका कोएफिशिएंट, ये एक्स क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 9c3 3 की पावर 6 और ए की पावर 3, ये बराबर है, आपको ए निकालना है, तो सीधा इसको सॉल्यूशन है, nc2 जो आपका 36 होता है, 3 की पावर 7 3 की पावर 6 यानी कि केवल 3 बचेगा यहाँ पर, एक ए बचेगा यहाँ पर, और 9c3 होता है 84, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 9/7, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए की पावर 4 इन द प्रोडक्ट 1 प्लस 2 ए की पावर 4 2 माइनस ए की पावर 5। सो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको लॉजिक पता है, लॉजिक क्या है, आप इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, दोनों में से ऐसे टर्म देखेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे ऐसे टर्म जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलना चाहिए, ए की पावर 4 मिलना चाहिए, ए की पावर 4 मिलना चाहिए, तो 1 प्लस 2 ए की पावर 4 इसको खोलेंगे, ये खोल लिया, ये खोल लिया, मैं आप यकीन, मुझे आप पे यकीन है कि आप इसको आराम से बाइनोमियल से खोलेंगे, इट्स वेरी इजी, बाइनोमियल थ्योरम से खोलना, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये हम आखिरी क्वेश्चन पे आ गए, तो मैं यकीन मानता हूँ कि आप इसको खोल लेंगे, इसको खोल लेंगे। अब आप देखिए, इसमें मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमको a टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ए की पावर 4 कौन सा आता है, यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, ए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से ढूंढ लीजिए ए की पावर 4 कौन सा है, कोई है ऐसा, ये आपको मिल गया ए की पावर 4, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको ए की पावर 4 मिल जाएगा ना, तो आप पहला जो टर्म लिखेंगे वो आपका ये वाला होगा जो ए की पावर 4 देगा आपको, पहला टर्म कौन कौन सा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला है 4c0 और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, हमको ए की पावर 4 चाहिए, इसको हमने ओपन कर लिया ना, 4c0
और यहाँ टर्म मिलेगा आपका फोर सी जीरो के साथ हमको ए की पावर फोर चाहिए, ए की पावर फोर कौन सा है, ये हो गया। तो फोर सी जीरो तो अगर वन ही होता है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ इसको ताकि आपको ये समझ में आए कैसे आया। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर फोर मिलेगा। तो पहला टर्म हो गया फोर सी जीरो मल्टीप्लाइड बाय फाइव सी फोर टू इंटू ए की पावर फोर, ए की पावर फोर मिल गया ना। अब अगले पे आ गया, प्लस लिख रहा हूं, माइनस जहां होगा माइनस कर देंगे। फोर सी वन टू ए, तो पहले तो फोर सी वन टू ए लिख दीजिए। अब हमको यहाँ ए क्यूब ढूंढना है क्योंकि ए के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, ए क्यूब, तभी हमको ए की पावर फोर मिलेगा। ए क्यूब ढूंढिए क्या ये मिल गया, अभी मैंने माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए। अब ये हो गया फाइव सी थ्री टू स्क्वायर और ए की पावर थ्री। अब आइए इस पे दूसरे वाले टर्म पे, आपका टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वाला टर्म है, ए स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर आपको ए स्क्वायर ढूंढना है। ए स्क्वायर वाला टर्म कौन सा, ये वाला है, और प्लस में माइनस में, प्लस में ए स्क्वायर वाला टर्म प्लस फोर सी टू टू ए होल स्क्वायर, आपको ए स्क्वायर वाला टर्म ढूंढना है ये इंटू फाइव सी टू टू क्यूब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बनके ए की पावर फोर बनेंगे। अब अगला टर्म है ए की पावर थ्री, ए की पावर थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तब ए की पावर फोर मिलेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस में आइए क्योंकि माइनस है, फोर सी थ्री टू ए की पावर क्यूब और यहाँ पर है फाइव सी वन टू की पावर फोर और ये ए, ये वाला टर्म मिल गया। अब आखिर पे आ जाइए, यहाँ पर आपको प्लस ही मिलेगा, तो फोर सी फोर टू ए की पावर फोर, अब टू ए की पावर फोर है इसका मतलब एक भी ए नहीं होना चाहिए यहाँ पर, वो तो ये टर्म है, तो फाइव सी जीरो टू की पावर फाइव। अब सारा टर्म मिल गया, ये टर्म मैंने लिख दिए सारे, अब एक एक करके इसको सॉल्व कर लीजिए। जो भी वैल्यू आती है फाइव सी फोर फोर सी वन फाइव सी थ्री, जो भी वैल्यू आती है आपको ए, ए के बारे में चिंता नहीं करनी है, आप ए भूल जाइए, ए की पावर फोर यहाँ भी ए की पावर फोर, ए की सब में ए की पावर फोर है। इसे कल कोएफिशिएंट लीजिए, ये वन इंटू फाइव सी फोर है या वन इंटू फाइव सी फोर इंटू टू, तो आपका ये आएगा टू इंटू फाइव सी फोर होता है एन सी, एन सी एन माइनस वन होता है एन मतलब फाइव, फाइव इंटू टेन, इस तरीके से सारे सॉल्व करेंगे और आपका माइनस वन थर्टी आ जाएगा। तो हमारे सारे सवाल जो है इस एक्सरसाइज के हो चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं इसको जरा गो थ्रू कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम एक एक करके इसको आगे बढ़ा देंगे। ये आपके एक्सरसाइज के सवाल नहीं है, ये इसके एमसीक्यू में कुछ सवाल हैं वो इसमें दिए हुए हैं, तो अगर आपको इसका कोई रेफरेंस लेना हो तो सोल्यूशन आपके सामने है, इसको रोक के आप देखिएगा, इसको सॉल्व करिए। बाकी जो एक्सरसाइज के सॉल्व 18.2 एक्सरसाइज के सवाल सारे कर लिए गए। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, बाइनोमियल थ्योरम 18.2। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।